सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एंड जैंड एवरी वन सो मा नेम मिस ऐडवोकेट अभिगीत सर एंड मिस्टर बेगिनी सेशन ठीक है सो जस्ट गिव मी अ ब्रीफ थिंग अबाउट युअर सेल्फ या पर फ्रेशस कितने हैं हाउ मनीफ य फ्रेशस कंप्लीटली फ्रेशस मतलब सीधा कॉलेज से यहाँ है आप लोग प्लीज रेज्स एफ लिटल बेट हाईली हाँ ठीक है चालू होते अरे वे ऑलमोस्ट सारे फ्रेशेस हैं वेरी गुड अच्छा ऐसा कोई है यहाँ पे जिसको थोड़ा सा यू पी एस सी के बारे में पता है अदर देन दिस फोर अल्फ़ाबेट्स और आपके जिंदगी के तीन अल्फ़ाबेट्स आई एस और आई पी एस वाटर रिकमेंट भी लेकिन वो उस इंस्टीट्यूशन के बारे में किसको पता है वो भी तो मालूम होना चाहिए ना ट्वेल्थ मे अच्छा इंग्लिश ओके okay. मराठी हिंदी प्लीज से नो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए बिकॉज आई बिलिंग टू अ नेटिव प्लेस सोलापुर और वहाँ से हिंदी थोड़ी सी है ना कल्नर नहीं तुम्हारा सुधा सो काइंडली कोऑपरेट विद दैट अच्छा तो वॉट आर आस्किंग यू यूपीएससी के बारे में किसको पूछा अच्छा जानो चेहरा यहाँ पे और कोई है यहाँ पे बाकी सब नए चेहरा है ठीक है वॉट इज़ यू पी एस सी आदा दन यू ड्रीम्स आता दर्न यू पैशन ठीक है तो दो सर वो बाद में डिस्कस करेंगे लेकिन वाट इज़ यू पी एस सी पहले वो तो डिस्कस करेंगे बताइए मैं तो सर पायल ना देन बोलिए कुछ भी नीड टू टॉक का याद रखना मैं भी आपके से जैसे आप बैठो में खड़ा रहूँगा कॉमन सेंस नीड टू टॉक ये जो इंट्रोवर्टनेस है ना यहाँ से न, यही पे निकालो यहां से अगर इंट्रोवर्टनेस निकलेगा तो वहां पे पेपर में परफॉर्म कर पाओगे ये भी याद रखना चलो बताइए सर ये एक इंस्टीट्यूशन है ठीक है एक क्या करता इंस्टीट्यूशन केस मिनिस्ट्री के अंदर आता है हाँ ठीक है वेरी गुड पब्लिक सर्विसेज राइट और हाँ बोलिए वेरी गुड एक्सेलेंट और वेरी गुड सही है और ये क्या क्या करता है सॉरी ठीक है एग्जाम ओरिएंटेड है ना तुम्हें बराबर तुम्हें ड्यूटी ओरिएंटेड है अजूँ इज इट अ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी एनी वन किसको पता है संविधानिक बॉडी आएगा कि वा ये सर बेसिकली ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है या एक पार्लियामेंट के लॉ से बने हुए एक बॉडी है ये एनी आइडिया अबाउट दैट ये तो बातें करूंगा मैं हमें तो ये पैंतीस स्लाइट वैसे भी कंप्लीट करना है लेकिन पहले स्टार्ट तो करेंगे वार्म तो करेंगे उसके पहले सी ऑलवेज रिमर गाइज बिफोर अटेंडिंग द सेशन यू शूड नो द ब्रीफ लैन ऑफ द सेशन ऑल्सो ना डॉर्डिंग दिलेबस सिलेबस किसका यूपीएससी का पहले उसके बारे में तो सोचो सिलेबस के आपको प्रोशर मिला है पढ़िए दैट इज सिलेबस बट व्हाट इज यूपीएससी जो कंडक्ट करवा रहे एग्जाम इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना पार्ट फोर्टीन फोर्टीन मतलब पार्ट मतलब चैप्टर संविधान में ना जो पार्ट्स बोलते हैं ना उसको चैप्टर्स बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में पार्ट फोर्टीन आर्टिकल तीन से पंद्रह से लेके थ्री टू थ्री मतलब आप ऑफिसर बनने से बनने से और आपका रिटायरमेंट तक जो भी आपका परफॉर्मेंस रहेगा उस आठ आट आर्टिकल्स में रहेगा यू विल बी आंसरबल टू होम आपके ड्यूटीज क्या है यू विल बी कॉल्ड अ पब्लिक सर्वेंट राइट है ना तुम्हार डॉक्य बेसिकली अधिकारी करी बनना दीवे गाड़ी नहीं कायदे समोर यू विल बी अ पब्लिक सर्वेंट ये हमेशा याद रखना फ्रॉम द डे वन इट सेल्फ दिस विल कीप यू ग्राउंडेड टू दर्फिस बिकॉज द मोमेंट यू दिस और गोज इन टू योर माइंड एंड ब्रेन ना कि मैं यूपीएससी कर रहा हूँ दैट मोवमेंट इट सेल्फ इट्स अ ह्यूमन साइकोलॉजी यू गेट यूर सेल्फ लिफ्टेड और बाकी हवाद हवा है आजू बाजू जे ना सो डोंट डू दैट नेवर डू दैट ठीक है न, so do तो याद रखना यूपीएससी बेसिकली ये एक संविधानिक बॉडी है लेकिन इट कम्स अंडर अ पर्टिक्युलर मिनिस्ट्री एनी वन एनी आइडिया कौन सी मिनिस्ट्री है वो एनी आइडिया राइट रॉन्ग छोड़ दो कौन सा सेशन है हमारा ये तो नॉर्मल ओप सेमिनार है हमारा बताइए कि सर ही मिनिस्ट्री होम नहीं रेडा होम नहीं है थोड़ा सा मिनिस्ट्री ना मिनिस्ट्री या अंडर डिपार्टमेंट आते लक्षा ठीक है मोनो मिनिस्ट्री लिनिस्टर डिपार्टमेंट विल बिकम है ना इफ अगर आप अंडर ट्वेंटी फाइव अगर आप बनते हो एस ऑफिस तो आप उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के आप सेक्रेटरी बनते हो है ना हम लोग पढ़ते हैं ना वो सब तो ऑलवेज रेम ये भी फैक्ट याद रखना डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज होते हैं हैव यू हर्ड मिनिस्ट्री ऑफ बेसिकली पर्सनल मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक रिवेंसेस एंड पेंशन ये तीन अलग डायमेंशन है परंतु मिनिस्ट्री एक है ठीक है तो मैं पे शॉर्ट में लिखता हूं तो बेसिकली वी हैव सो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक रेवेंसेज एंड पेंशन तो समझ में तो तीन अलग डायमेंशन है आता समझूंगे जी मिनिस्टर ऑफ पर्सनल है ना उसमें अभी हर एक का अपना अपना डिपार्टमेंट है हर एक का अपना अपना डिपार्टमेंट है ठीक है ये जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल है इसमें आता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ये तो सुना होगा डी ये डीयूपीटी इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूपीएससी एस एस सी आपने सुनोगे ना एस एस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सी बी सी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अगर आपने कुछ गड़बड़ किया ना ऑन ड्यूटी रह के एनी डिसिप्लिनरी मैटर्स विल बी टेकन केयर बाय सी बी सी ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सी बी आई पढ़ा आप लोगों ने ये जो गोष्टी है ना अंडर दिस डोमेन तो यहां पर आपका आता है यूपीएससी यूपीएससी का सिर्फ एक ही काम है कंडक्ट एग्जामिनेशन हम लोग देखते हैं ना कॉलेज के बाद कंपनीज आते हैं जो रिक्रूट करवाते हैं या कभी कभी वो कंपनीज आउटसोर्स करते हैं किसी नॉर्मल कंपनीज को छोटे मोटे का ना वैसे यूपीएससी है सो बिटवीन यू एंड दिस बेसिकली मिनिस्ट्री एंड डी ये जो सेंटर वाला जो मिडल मैन है ना वो यूपीएससी है इसको यूपीएससी को हमेशा एक सी आर ए कहते हैं सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी दैट सेट इसके बियॉन्ड यूपीसी का ज्यादा काम नहीं आता है तो सर ये रिक्रूटमेंट के लिए फॉर दिस रिक्रूटमेंट इट कंडक्ट एग्जामिनेशन हमें क्लियर एंड दिस एग्जामिनेशन फॉर वॉट ऑल इंडिया सर्विसेस अब ये एग्जामिनेशन जो है ये एग्जाम आता है एक ऑल इंडिया सर्विस बेसिकली देन सेंट्रल सर्विसेज़ जो हम लोग बोलते हैं ना सेंट्रल में ग्रुप ए एंड ग्रुप बी सर्विसेज़ तीन ये याद रखना ऑल इंडिया सर्विसेज़ कितने आते हैं बेसिकली यहाँ पे तीन बताओ कौन से कौन से हे माइ थे ना आई एस सेकेंड थर्ड आई एफ एस का आई एफ ओ एस आई एफ एस सर्विसेस मोरलेस है ना अभी आपके ऊपर डिपेंड है किसको बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन में काम करना है किसको यूनिफॉर्म चाहिए है ना किसको बेसिकली बाहर भी जाना होता है है ना गाँव बाहर जाते हैं पर देश और अंदर बाहर जाते हैं मानोस ठीक है तो ये चीजें याद रखना आपको हमें के लिए तो बेसिकली ये सब चीजें करने के लिए तो आप लोग कहाँ पे हो सर हम लोग यहाँ पे है इस एग्जाम के स्टेज में तो वह एग्जाम कितने स्टेजेस में होते हैं Exam happens in how many stages? Three, right? Prelims, mains, right? है इंपोर्टेंट क्या है इसमें प्रलिम्स मीन्स पीटी ये समझो ये समझो बुकिश हर जगह पे मिलेगा आपको एबीसी में एबीसी पता है सबको एबीसी में जब पे बोलो क्या हमें सिलेबस का बुक चाहिए वो खुद का भी एक पब्लिकेशन देगा आपको तो दिस इज दिस इज सेकेंडरी इसको डिकोड करो सबसे पहले वॉट डू यू थिंक वॉट माइट बी मोर मेंस और इंटरव्यू और सर तीनों थिंक ऑल ऑफ थ्री है तीनों इंपोर्टेंट लेट्स बाकी के लोगों को क्या लगता है फिर सर हम ही इंपॉर्टेंट है विच इज मोर टफ प्रिलिम्स, मेंस और इंटरव्यू इंटरव्यू नहीं बोलना चाहिए इसको पीटी बोलेंगे हम लोग इंटरव्यू कहना ठीक नहीं रहेगा यहाँ पे वॉट डू थिंक विच इज मोर टफस्ट मींस चलो बात करते हैं फिर फिल्म कितने बच्चे फॉर्म देते एग्जाम का फॉर्म भरते और हम पाँच लाख के आसपास एग्जाम ऑन एन एवरेज एग्जाम कितने देते हैं तीन चार लाख पकड़े जा अपन एवरेज पकड़ो रेंज पकड़ो चार लाख में पे पेपर्स कितने होते हैं नंबर वन ऑन एन एवरेज इस बार कितना है of, basic, 180, 85. तो क्लियर है लेस देन लेस देन फिफ्टी परसेंट समझा दिस इज इम्पोर्टेंट सो हमें ये नहीं कि सर पूरा हंड्रेड परसेंट जाना है हमें ऑल इंडिया रैंक कौन कितना आता है परसेंटाइल ऑल इंडिया रैंक वन ये सपना रखो कितना आता है परसेंटाइल इसका परसेंटाइल पूछ रहा हूं स्कोर नहीं पूछ रहा हूं फिफ्टी वन एखाद ऑप्शन रहेगा जो फिफ्टी टू में जाएगा सही बात है तो ऐसा का है अपना टारगेट कितना है इतने ऐसा हम लोग टारगेट क्या करते हैं जो स्कूलिश टारगेट होता है ना सो पे से आउट ऑफ हंड्रेड नाइन्टी एट्टी और हमें पता वो कैसे लेके आते हैं हम लोग ये यू है प्लीज़ क्लियर इट आउट आपका जो कॉलेज की मैंटेलिटी है उसको क्लस्टर कर दो बाहर अभी ख़त्म हो गया वो जो आप कॉलेज के वक्त पढ़ते हो ना मतलब ह्यूमिनिटीज़ वाले बच्चे जो दो दिन पहले पढ़ते पी वाई क्यूज लेके बस वही पढ़ाई करना है वही पढ़ाई करना है उसे एनर्जी के साथ ही पढ़ाई करना है फिर डिफरेंस क्या है सर यहाँ पे सिर्फ आपको डेढ़ साल वो कंटिन्यू चाहिए अदरवाइज मैं आज हमेशा बोलता हूँ एनी वन ओवर ईयर विथ पंचवार्षिक योजना ऐसा कौन है का फाइव ईयर प्लान एनी वन ओवर ईयर फाइव ईयर प्लान गवर्नमेंट ने भी छोड़ दिया उसको अभी सात आठ साल हो गए गवर्नमेंट ने छोड़ा पता ना नीति आयोग अभी आ चुका है तो आप भी छोड़ दो उसको बिकॉज नाव आप आगे का सिस्टम का पार्ट बनोगे लेकिन उस सिस्टम का पार्ट बनने के लिए अभी आप इस एनवायरमेंट का पार्ट बनोगे जहां पे जहां पे 90 परसेंट इज कंफर्टनेस एंड 90 परसेंट इज कन्वीनियंस आई मै अंडरस्टैंडिंग यू कंफर्टनेस काफी है अपने एरिया में अपने और में मतलब ये जो बच्चे होते हैं बिकॉज आपको वही लोग गाइड करेंगे जो दोस्तों के बीच में होता है ना जब जो 90 परसेंट उस कंफर्ट जोन में क्योंकि 10 परसेंट जो रैंक्स निकालते हैं वो कभी गाइड नहीं करेंगे बिकॉज फॉर दैट 10 परसेंट उनको पता है यू आर चैलेंज फॉर ये चीज हमेशा याद रखना आप आओगे इस फील्ड में यू विल मेक फ्रेंड्स यू विल गेट फ्रेंड्स है ना अब बेसिकली मैंने हमेशा देखा जो ये फॉर एग्जाम्पल एम टॉकिंग यू आई विल गिव एन एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक्स के लिए वी हैव अ फैकल्टी कॉलेज एस के झा सर कौन है ना यहाँ का शायद से नाम पढ़ा होगा आप लोगों ने तो उनका अनुभव है आपकी उम्र से ज़्यादा आई डोंट थिंक एनी वो नो वो हु इज लाइक अराउंड ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन ईयर्स ऐसा कोई है यहाँ पे वो सारे उतने साल से वो पढ़ा रहे हैं रिस्पेक्टिव फैकल्टी जहािंग यू समू तो रेफर अ बुक उसमें से भी ये पढ़ी है ये चैप्टर पढ़ी है टॉपिक पढ़िए सही है अब जब वो आवाज उनके मुंह से निकलता है तो दैट तो इज नॉट हिज ओन वैट इज दॉइस एट ईयर बेसिकली एक्सपर्टाइज राइट लेकिन होता क्या है फिर हम लोग को तो मार्केट में दोस्त मिलते हैं होता है लाइब्रेरी तो में दोस्त वगैरह मिलते हैं ना चाय पे मिलते हैं और फिर वो ये बोलता है अर तूने ये बड़ा क्या फिर आप लोग क्या करते हो आप स्टैंडर्ड सोर्सेज छोड़ते हो देन यू स्टार्ट रेफरेंस दिस विल हैपन नाइन आउट ऑफ टेन टाइम्स दिस इज फैक्ट ह्यूमन साइकोलॉजी है ह्यूमन ये होगा होगा ही पार्ट ऑफ सोशोलॉजी तो ये होगा ही होगा ये याद रखना और इसलिए इंसपर्ट ऑफ हैविंग गुड नॉलेज बट दैट नॉलेज इज नॉट एक्चुअली पुट ऑन पीपल्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मतलब अगर आप देखोगे ना यू विल यू विल सी मेनी सीनियर्स आपको लगा इसका नॉलेज कितना जबरदस्त है बट स्टिल इज नॉट इवन एबल टू क्लियर द प्रम्स बिकॉज प्रॉब्लम क्या है वो जाता है टॉप करने के लिए लेकिन मेरे रिक्वायरमेंट कितनी है मुझे कॉल प्रलिम्स टॉप नहीं करना होता है प्रलिम्स करना होता है लेकिन मैंटेलिटी ऐसे बच्चों की मुझे उसमें टॉप करना है आप डेढ़ सौ लेके आओ देव बिन सौ महीने आज पर्न जो जैसे कि पिछले बार का एक स्टूडेंट है उसका मैम स्कोर था ट्वेंटी के प्रलिम्स में अगर आप सीनियर्स को पूछेंगे तो उनको समझ में आएगा फिफ्टी एट स्कोर इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इतना उसका पेपर जबरदस्त था सी सर मुझे अड़कुन पूरा साल जीएस 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 एस सीसेट नहीं का करेंगे सर मैं इंजीनियर है ठीक है मानने वाला अरे अपन ही यूपीएससी है दिस इज द कॉमन सेंस राइट ऑलवेज रिम और कभी भी मार्केट के हाइप्स पे मत जाइए दिस आर वार्निंग स्टफिंग टेलिंग यू यूपीएससी विल नेवर एंटरटेन दोज थिंग्स विच मार्केट डोमिनेट्स कैन अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंटरटेन सच अ फैट कि यूपीएससी कैसे करना है वो मार्केट डिटरमाइन करेगा क्या तो मार्केट यूपीएससी कहेगा ना कि आई विल डिटरमाइन द टर्म्स एंड कंडीशंस जिस तरह से बेसिकली आपको काम करना है सो दिस थिंग्स आर वेरी इम्पोर्टन ड्यूरिंग द फर्स्ट डे ऑफ योर जर्नी आई होप दिस इज द फर्स्ट डे ऑफ योर जर्नी ठीक है एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू क्लियर ऑल योर लेटर्स इन योर माइंड जो भी आपके क्वेश्चन है तो ये सेशन को हम लोग बेसिकली तीन हाफ्स uh, में करेंगे पहला मैं करूंगा आपको यूपीएससी सिलेबस का डी ठीक है उसके बाद थोड़ा सा एक शॉर्ट सेशन लूंगा मैं जहाँ पे आपको न्यूज़पेपर पता आपको है ना वर्तमान पत्र बन दो तो ना अपन दिला तो बेसिकली उसको किस तरह से पढ़ना है किस तरह से कनेक्ट करना है कैसे यूपीएस ने उसको कनेक्ट करके सवाल पूछा है अगर मैं कोई टॉपिक पढ़ रहा हूँ अगर मैंने चंद्रयान पढ़ रहा हूँ है ना अगर मैं पॉइंट शक्ति पढ़ रहा हूँ चांद का तो क्या मुझे चांद पे जाके पढ़ना है तो ये जो हॉरिजेंटल स्पेक्ट्रम एंड वर्टिकल डेप्थ है ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्वेश्चन के भी प्रकार होते हैं फर्स्ट लेयर क्वेश्चन सेकेंड लेयर क्वेश्चन थर्ड लेयर क्वेश्चन ये डिटरमाइन करता है क्या जीएस में फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेयर पे आ रहा है क्या करंट अफेयर्स में फर्स्ट लेयर फर्स्ट लेयर थर्ड लेयर सेकेंड थर्ड पे आ रहा है क्या जीएस कनेक्टेड करंट अफेयर्स में फर्स्ट लेयर सेकेंड लेयर थर्ड ईयर लेयर में आ रहा है ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है अब एक लिया ठीक है तो शुरुआत करते हैं फिर जल्दी से अभी तो गाइज तो चलो तो बेसिकली ब्रेकडाउन करेंगे सिलेबस का प्रबलेम्स हमको पता है सब चलो प्रॉब्लम जी एस कितने पेपर्स होते हैं और कितने सब्जेक्ट होते हैं जीएस में पेपर वन में प्रॉब्लम्स में तो कम आ रहा बगुन सागुना का अंदाजा मारा हो तो पता होगा बताइए नंबर वन पॉलिटी ठीक है देन जोग्राफी ठीक है देन हिस्ट्री ठीक है वेरी गुड देन इको बरोबर चार हो गए और एनवायरमेंट चलो पांच हो गए चलो अब ये इंपॉर्टेंट है प्रलिम्स में एस एन टी है या जनरल साइंस है अंडरस्टैंडिंग दिस प्रिलिम्स में पॉलिटी है मेंस में पॉलिटी एंड गवर्नेंस है ये समझना चाहिए आपको तो यहां पे क्या जनरल साइंस है डाला है उन्होंने क्वेश्चंस नहीं आते ज्यादा ओनली एंड ओनली इफ अ पर्टिकुलर टॉपिक इन जनरल साइंस इज इंपॉर्टेंट जैसे बायोलॉजी में इतने में था ना बेसिकली ए आर टी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज तो ये करंट अफेयर्स भी, भी आता है लेकिन इस इट इज़ कनेक्टेड टू बायोलॉजी राइट तो भी डिकोड करेंगे हम लोग ठीक है और पांच हो गए एंड अल्टीमेटली लास्ट वन इज करंट अफेयर्स अभी एक चीज याद रखना है आपको जोग्राफी पॉलिटी ईको एंड हिस्ट्री आई विल कंसिडर एनवायरमेंट एज अ पार्ट ऑफ जोग्राफी ये चार कन्वेंशनल टॉपिक्स दिस शुड बी योर की ये फाउंडेशनल वही चारों टॉपिक्स है अगर आपकी इस पे अगर आपकी कमांड आती है देन एंड ओनली देन यू बिकम सेल्फ एलिजिबल टू अपेयर फॉर अदर एग्जाम्स ऑल्सो ये याद रखना आपको क्योंकि पॉलिटी यूपीएससी में का स्टेट सर्विसेस क्लास वन स्टेट सर्विसेस क्लास टू स्टेट सर्विसेस क्लास थ्री ग्राम पंचायत लेवल है ठीक है एस एस सी तो इसका मतलब क्या है तो वो सब्जेक्ट जो है ना तो सब्जेक्ट प्रत्येक एग्जाम ला है उसी तरह से जोग्राफी है उसी तरह से हिस्ट्री है उसी तरह से बेसिकली तुम्हारा इकोनॉमिक्स है तो ये चार जो सब्जेक्ट्स है ना दिस आर कोर या कोर कन्वेंशनल स्टैंडर्ड सब्जेक्ट यहां पर आपकी कमांड लाना काफी इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम क्या होता है हम लोग ये चार सब्जेक्ट पे कमांड नहीं लाते हमें लगता है कि हमने छः आठ महीने पढ़ाई की है एंड अल्टीमेटली वॉट वी थिंक देन उसके बाद कोई एग्जाम ने कोई एग्जाम का फॉर्म आ गया हम लोग वहाँ पे डिवेट हो गए हर एक एग्जाम का डिमांड अलग अलग होता है अगर मेरे गांव का ग्राम पंचायत का स्टार्ट हो गया एग्जाम या है ना कुछ भी हो तो इसका मतलब ये मैं उसका फॉर्म भरूंगा उसके भी अलग रिक्वायरमेंट है जस्ट बिकॉज यू आर हैविंग समथिंग कॉमन हैविंग समथिंग कॉमन हैविंग समथिंग सिमिलर डज नॉट मीन्स दैट इट इज इक्वल ये डिफरेंट है आप क्वेश्चंस भी देख लीजिए अगर आप स्टेट सर्विसेज क्लास वन के भी देखते हो थोड़ा सा फैक्चुअल होता है वो अपने यूपीएससी सी में फैक्चुअलनेस हाँ कमी है अपने यूपीएससी में जो अपने यूपीएससी होता है कंसेप्चुअल मतलब स्टेट सर्विस में पूछेगा बेसिकली कि पहले यूपीएससी का आर्टिकल बताइए है ना ये संविधानिंग बॉडी के वो बताइए लेकिन यूपीएससी वो नहीं पूछेगा यूपीएससी पूछेगा क्या गवर्नमेंट को अगर ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करना है तो क्या गवर्नमेंट यूपीएससी को पूछेगा क्या गवर्नमेंट राष्ट्रपति की परमिशन लेगा अगर गवर्नमेंट ऐसे कुछ किया तो क्या वो लीगली सही है कंसेप्चुअल क्वेश्चन कॉज इफेक्ट कॉज इफेक्ट कुछ एक्शन करेंगे उसका इंपैक्ट तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको यहां पर क्लियर कट मालूम होना चाहिए क्लियर है सीसेट किसका इसका वीक है मैथ्स किसका इसका वीक है टेलमी ट्रोली सर टेन ट्वेल्थ के बाद नो no एबीसीडी एक अगर आपको डाउट है तो आप मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा 2023 का पेपर देखिए बाकी चाहे का प्लीज थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर थोड़ा सा, थोड़ सा लीजिए हाँ अंदाजा आ जा जाता है बाकी के सब का सबका सी ठीक है आहे का वॉच ग्रेजुएशन आहे चालू आहे कशा मधे पन पॉलिटिकल साइंस सी चांगला है का अरे माँजी ही होती इलेवन ट्वेल्थ साइंस नलभद्री परिस्थिति होती माँ वह ठीक है कोई इश्यू यो थर्ड अरे मैं ग्रेजुएशन अच्छा किसने किया आपने नहीं किया ना किया था नहीं मैं पूछ रहा हूँ किसने नहीं किया asking आपने नहीं किया ना ठीक है मैकेनिक ठीक है हाँ ये देखा गया है कि इंजीनियर्स को बेसिकली लेकिन अगर आप ट्वेंटी थ्री का पेपर देखोगे ना तो इंजीनियर्स हो, हो ना सब एक लेवल पे आ चुके हैं एटलीस्ट वॉट पेपर तो वो बेसिकली मैं कहूंगा वो आपका थोड़ा सेकेंड हाफ में स्टार्ट होगा यहां पर भी सीसर का पेपर है ना बिकॉज इज समथिंग देखो पॉलिटी सिलेबस हो गया सर जोग्राफी सिलेबस हो गया हिस्ट्री सिलेबस हो गया इकोनॉमिक्स सिलेबस हो गया सीसेट सिलेबस होता ना ही सीसेट डेवलप होता है ये याद रखना सो पेपर वन जो जीएस पेपर वन जो आपका ना कन्वेंशनल जीएस टॉपिक्स ये आपका सिलेबस कंप्लीट होता है है ना सर लक्ष्मीकांत सर की किताब फॉर पॉलिटी के लिए हम लोग लक्ष्मीकांत सर की किताब पढ़ते हैं ठीक है थीके? तो वो किताब हो जाती है हिस्ट्री के लिए एनसाइडीज पढ़ लिया स्पेक्ट्रम पढ़ लिया सो वो किताब हो गई यहाँ पे है ना बेसिकली फॉर इकोनॉमिक्स पकड़ लो संजीव वर्मा हो गया रमेश सिंह हो गया नितिन सिंह ने सर की किताब हो गई तो ये बुक्स होते हैं लेकिन सी सै इज नथिंग लाइक कि सर मैंने यह किया दो महीने मैंने, मैंने प्रैक्टिस की अब तीन महीने मैं आउटिंग पे जा रहा हूँ तो सी सैड इज समथिंग बेसिकली चाहे आपका अच्छा मैथ्स का बैकग्राउंड हो या ना हो ट मैं यही कहूंगा कि एग्जाम के एग्जैक्टली छह महीने पहले डिपेंडिंग लेवल रेगुलरली दो घंटा करना ही करना रेगुलरली दो घंटा और वो एक बार स्टार्ट कर दिया आपने चलो हमेशा ही बोलता बेसिकली आप नवंबर में स्टार्ट कर यहाँ पर भी दिसंबर के आसपास स्टार्ट हो जाता है लेकिन आप भी खुद से कर सकते हो है ना बेसिक बुक्स लेके अगर नवंबर में स्टार्ट कर दिया तो ट्वेंटी अगर ट्वेंटी सिक्स ऑफ मे को आपका एग्जाम है नेक्स्ट ईयर तो ट्वेंटी ऑफ मे तक आपको वो करना ही करना है वह वहां पे बेसिकली आप रिस्क नहीं ले सकते हमें क्लियर अब देखो अभी बोलने के लिए तो यहां पे क्या लिखा है हिस्ट्री लिखा है हिस्ट्री कितने डोमेन्स एंशियंट मिडेवल मॉडर्न आजुनिक है ना आर्ट एंड कल्चर ज्योग्राफी लिखने के लिए लिखा है ना यहां पे ज्योग्राफी में कितने डोमेन्स फिजिकल हो गया और ह्यूमन ज्योग्राफी हो गया और इंडियन ज्योग्राफी यस और इकोनॉमी ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड सोशल ज्योग्राफी एग्रीकल्चर समझ में आ रहा है तो देने के लिए सिलेबस इतना ही दिया है देने सटी पॉलिटी की बात करेंगे पॉलिटी में आर्टिकल्स कितना है आज की तारीख में अराउंड फोर फिफ्टी पकड़ लो अगर पंद्रह क्वेश्चन आते हैं तो पकड़ लो छत सिक्स टू एट के रेंज में आपके किताबों में से आएंगे लेकिन जो बाकी का है जो बाकी का है वो करंट अफेयर्स कनेक्टेड ही आएगा सिंपल सी बात इलेक्शंस हो गए रिजल्ट्स आउट अब हर कोई पॉलिटिकल पार्टी बेसिकली उसके लोगों को उसके मेंबर्स को संभाल के रखने में बिजी है ताकि कोई फूटे ना ठीक है अब स्टेट सर्विसेज पूछ सकता है कि स्टेट सर्विसेज के बेसिकली किस पार्टी ने कहां पे कितना कैसे परफॉर्म किया यूपीएससी ये नहीं पूछेगा यूपीएससी पूछेगा उसके आगे वाला एक तो ये यूपीएससी पूछेगा कि बेसिकली इलेक्शंस हो गए रोल ऑफ मीडिया के होने के बावजूद भी वाई डिट वी क्रॉसेंट वोटिंग इसका मतलब कहा ना कहा इलेक्शन प्रोसेस में इश्यूज आ रहे हैं जिसको हम लोग टेक्निकल टर्म में इलेक्शनिंग बोलते हैं तो फिर बताइए इलेक्ट्रोल रिफॉर्मस क्या लेके आना चाहिए दिस इज वॉट यूपीसी विस्ट क्यू या पकड़ लो बेसिकली अभी ना कि अभी मेम्बर्स यहाँ से वहां शिफ्ट हो गए चांसेस होते हैं

When, can you compare the requirement of 2015 with 2025 officer? जमीन आसमान से का फर्क है ना यहाँ पे यहाँ से 10 साल पहले हम लोग कहाँ ना कहाँ even on international flora we were on the defensive mode. This second to raise a hand, yes or no? आज आपको नहीं लगता तो 10 साल में चीजें बदली हैं whatever be your political perspective मैं उसकी बात नहीं कर रहा. We are Indians first. यहाँ में याद रखना. है. ना और हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य नहीं रहेंगे हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्वेंट्स रहेंगे तो हम लोग बात करेंगे भारत सरकार की हमें क्लियर तो आपको नहीं लगता भारत सरकार का चेहरा कहा ना इंटरेस्ट इंटरनेशनल फ्लोरा पे चेंज हो चुका है अभी हम लोग कहा अटैकिंग मोड पे हम लोग काम करते हैं हम लोग वी आर दी फर्स्ट टू इनवाइट पीपल टू कम एंड डिस्कस ऑन आर लैंड अबाउट दर इश्यूज पहले उल्टा होता था हमारे इश्यूज हमारे मैटर्स हम कहीं भी और जाते थे वहां पर डिस्कस करते थे तो वो जजमेंट देता था आज ये चेंज हो चुका है तो यूपीएससी ये पूछेगा आपको तो ये ट्रेंड का एनालिसिस कीजिए जी ट्वेंटी बहुत बड़ी बात है अगर 20 देशों के बेसिकली यू uh, नो you know, रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाना है दैट आल्सो इन अ वेरी पर्टिकुलर सेंसिटिव एरिया जस्ट इमेजिन दिस लोग आए हैं इन यूज नंबर्स एंड दे हैव अप्रिशिएटेड तो ये एक बहुत बड़ी सक्सेस रेशियो ना हमारे लिए ठीक है एनवायरमेंट यहां पर लिखने के लिए एनवायरमेंट है बट एनवायरमेंट के साथ एनवायरमेंट आता है बायोडाइवर्सिटी आता है इकोलॉजी आता है आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस डू यू नो अगर मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में ब्रेक करूं ये सिलेबस दिया है यूपीसी का पैम्प ब्रॉशर भी आपके सामने ना ऐसा अस दे रहे थे अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो हाउ मेनी सब टॉपिक्स कैन हैपन कितने सब टॉपिक्स बन सकते हैं फिल्म में एनी आइडिया किसने किसने पीवा देखा है क्या हल्का सा अंदाजा लिया है सर पी वाई क्यूज पक्त बगी लेते मैंने सिर्फ पूछा रीड किया मैं ये नहीं पूछा कि बेसिकली आपने उसका एनाल किया है का एनी किसने पढ़ा है यहाँ पे वाच लेत वाच ले ठीक है और नहीं वाचले ठीक है मागे वाच लिया है एक चीज़ याद रखना आपने बुक्स में से देखा होगा ठीक है तो एक प्लीज चीज़ याद रखना दर्ज अ डिफरेंस बिटवीन अभी जो भी बुक है दिशा पब्लिकेशन वॉटर द बुक माइट बी उस बुक में क्या किया है उस बुक में हिस्ट्री का सेक्शन जोग्राफी सेक्शन इकोनॉमिक सेक्शन एनवायरमेंट सेक्शन है ना, एनवाइ सेक्शन, करंट अफेयर्स सेक्शन मिस्टीनियस सेक्शन राइट बरबर है जिसने भी देखा होगा उन्होंने उनको तो समझ में आ रहा है मैं क्या कर हिस्ट्री के सब क्वेश्चंस लिए पिछले पंद्रह बीस साल के और उसको सो डू यू रियली थिंक दिस इज एनालिसिस इसको आप एनालिसिस कहोगे या इसको आप बेसिकली सेग्रीगेशन कहोगे समझ में आता है किताब का नाम क्या है लेकिन आई अंडरस्टैंडिंग दिस देन क्वेश्चन देखने के बाद बेसिकली वो डोमेन समझना क्या वो डोमेन कितना बार रिपीट हो रहा है उस डोमेन को लेके सर बेसिकली स्टैटिक क्वेश्चन आ रहा है करंट अफेयर को लेके आ रहा है लिंक्ड क्वेश्चन आ रहा है सिंगल लाइनर क्वेश्चन आ रहा है मल्टीपल ऑप्शन को लेकर क्वेश्चन आ रहा है यह होता है आपका एनालिसिस जैसे बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम सुना होगा सही है तो अभी ये क्या बन गया मेरा अभी मेरा अभी बन गया डोमेन बरोबर है तो इसको लेके स्टैटिक क्वेश्चन सर कितने बार आ चुका है इसको लेके करंट अफेयर्स को लेके कितने बार आ चुका है डायरेक्ट क्वेश्चन कितने बार पूछा है इनडायरेक्ट क्वेश्चन सर बेसिकली कितने बार, है? Question, सर, कितने बार है? ये क्या ये एनालिसिस होता है ये बुक नहीं करता ये आपको करना होता है बुक ने क्या करके दिया ये अच्छी बात है कि बुक ने आपको सेग्रीगेट करके दिया है में है अंडरस्टैंडिंग यही मेंस मेंस के में देखोगे उधर भी ज्योग्राफी का अलग सेक्शन राइट पॉलिटी का अलग सेक्शन तो वो सेग्रीगेशन हुआ एनालिसिस नहीं एनालिसिस आप करोगे मतलब है ना कि आईवी सर हाँ पॉलिटी ले लिया पॉलिटी में चैप्टर है बेसिकली फंडामेंटल राइट्स पता होगा ना ये आपको तो ये फल राइट right क्या हो गया सर ये मेरा डोमिन हो गया तो उसमें फिर ऐसा इजी क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं अच्छा दो साल में क्वेश्चन आ रहे हैं तीन साल में क्वेश्चन आ रहे हैं हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं तो अगर ये क्वेश्चन पूछ रहा है मुझे क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है स्टैटिक क्वेश्चन है यूपीसी कभी भी अगर स्टैटिक क्वेश्चन भी डालता है तो ऐसे ही नहीं डालता रैंडमली कभी नहीं करेगा वो ये चीज भी आपको याद रखना है जैसे कि पिछले बार ये था राइट टू इंटरनेट राइट टू इंटरनेट है फंडामेंटल राइट right है वो सत्रह अठारह के बाद राइट टू इंटरनेट कर्नाटक हाईकोर्ट का वो जजमेंट है राइट टू लाइफ आता है ना काफी डोमेंस है एग्जैक्टली राइट टू लाइफ मतलब क्या है ना? तो उसमें क्या क्या डोमेंस आता है तो रिसेंटली देर हैज बीन डिबेट गोइंग ऑन के मुझे मेरी आइडेंटिटी को छुपा के रखना है राइट टू बी फॉगटन फोगटन सार्थक है जो मेरी डिटेल्स ऑनलाइन जो भी रहेगा ना मेरा एफ बी एफ है ना सोशल मीडिया अकाउंट वो सब डिलीट करना है मुझे मैं ये नहीं चाहता कि लोग मुझे पहचाने या लोग पहचाने लोग मुझे जाने आई डोंट वॉन्ट द पब्लिक आई डोंट वॉन्ट द पीपल टू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट माई सेल्फ ये भी मेरा एक राइट है जिसको हम लोग कहते हैं राइट टू बी फोगटन ये करंट अफेयर्स का है बरोबर है तो फिर यहां पे आपको एनालिसिस करना है जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो इसमें दो सवाल तो निकल सकते हैं एक तो राइट टू बी फॉरगॉटन किस आर्टिकल के किस आर्टिकल के अंडर आता है ट्वेंटी वन जिसके चांसेस दो हजार पच्चीस में तो कम है आने के डायरेक्टली क्वेश्चन हाँ लेकिन ये राइट टू बी फॉरगॉटन ये कहा से लिया है इसका हिस्ट्री को बैकग्राउंड क्या है इसको मैं कैसे करेंट कर पाऊंगा इसका एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस क्या होगा इसका किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर चैलेंजेस क्या हो सकता है बिकॉज माई राइट टू लाइफ विल बी वेरी डिफरेंट टू दिस दिस पर्सन राइट टू लाइफ बिकॉज राइट टू लाइफ यह ऑब्जेक्टिव नहीं है ना यह सब्जेक्टिव है वाइट वॉट माइट बी राइट टू मी माइट नॉट बी लीगली करेक्ट टू यू ऑल्सो ऐसा थोड़ी है वो बिकॉज राइट ऑफ मैन राइट ऑफ वुमेन अगर मैं वेलफेयर स्टेट की बात करता हूं तो आप इक्वलिटी की बात करते हैं

इकोनॉमी इक्विटी की बात हम लोग बात करते हैं इकोनॉमी इक्वलिटी ठीक है इकोनमी का मतलब क्या होता है बेसिकली वुमेन इज अलाउड टू वर्क ठीक है आई एम सॉरी टू टू यूज दिस फॉर अलाउड वर्क उसका तो राइट right है फिर भी जो न्यूज पेपर के एडिटर में वही पढ़ रहा हूँ अलाउड टू वर्क बट अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है यहाँ पे बेसिकली उसका जो सैलरी है ति, पगार जो है ना और तीसरा अधिकार नहीं है

हमें तो इसके इम्प्लिकेशन यू से पूछेगा आपको यूपी से ना है ना विचनार आर्टिकल ट्वेंटी वन क्या है ट्वेंटी फाइव क्या है आपको ये समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है सही है चलो मेंस की बात करते हैं प्रेम सोच ठीक है प्रेम्स में ऐसा कोई ये नहीं अच्छा बैक टू तो दी क्वेश्चन हाउ मेनी टॉपिक्स तो डू यू थिंक कि सर हाँ ये प्रेलिम्स में है जैसे हमें हमने बोला ना कि दिखने के लिए तो यहाँ पे हिस्ट्री लिख दिया है बट हिस्ट्री में मे वी हैव एंशियंट मिडिवल मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर जोग्राफी में अराउंड नाइन टू टेन सब टॉपिक्स है रीजनल जोग्रफी ह्यूमन जोग्राफी इकनॉमिक जोग्रफी सोशल जोग्रफी और रीजनल ज्योग्रफी सिस्टमेटिक जोग्राफी अप्रोच ज्योग्रफी फिर फिजिकल फिर इंडियन फिर ह्यूमन तो प्रिम्स में कितनी टॉपिक्स है देखने के तो हमें छह सात पॉइंट्स दिखे टेक्निकली पॉइंट्स कितने सब टॉपिक्स कितने प्रिलिम्स में एनी वन अंदाजा मारो अंदाजा शंबर दोनशे तीन शे चार अंदाजा मारा थोड़ा अराउंड टू फिफ्टी एंड टू बी प्रिसेस टू फिफ्टी नाइन आप देखिए मतलब टॉपिक्स कितने हैं यहाँ पे करंट आप छोड़ दो करंट अबेज दे दो पूरा हो गया हिस्ट्री अभी हिस्ट्री में हमने देखा एंशियंट मीडीवल्ड मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर अब मैं एंशियंट की बात करता हूँ क्या उसमें सिर्फ इंडस वाली सिविलाइजेशन ही है क्या चलो उसको भी पकड़ो देर आराउंड एटीन टू ट्वेंटी प्लेसेस तो इसका मतलब अठारह से बीस क्वेश्चन वहां से निकल सकते जेनिज्म आ गया बुद्धिज्म आ गया संगम लिटरेचर आ गए तो आप टॉपिक उसको डी करना स्टार्ट करो जोग्राफी की बात करते हैं ना तो का अगर हम टॉप चैप्टर्स की बात करूंगा तो द फंडामेंटल जोग्राफी जो बेसिक ज्योग्राफी उसमें ही 22 चैप्टर्स चैप्टर्स है 25, 22 उसमें और मैं सिर्फ फिजिकल की बात कर रहा हूं मैंने जोग्राफी बोला कितने टॉपिक्स है एट टू नाइन टॉपिक्स है अभी उसको मल्टीप्लाई कीजिए अंडरस्टैंडिंग दिस तो इन प्रलेम्स अराउंड ऑन एन एवरेज अराउंड 250 टू टू फिफ्टी मीन टू फिफ्टी एट टू फिफ्टी नाइन टॉपिक्स है एक्सेप्ट करंट अफेयर है एक्सेप्ट करंट अफेयर्स चलो अब आगे जाते हैं मेंस ये ठीक है तो हमने कर दिया चलो सी सर वगैरह आप देख लो बाद में चलो मेंस की बात करो हाउ मेनी पेपर्स वी हैव इन मेंस टेक्निकली टोटल कितने पेपर्स है नाइन कोर डिवीजन उसका इंग्लिश कंपल्सरी मतलब क्वालिफाइंग वाला इंग्लिश एक तुम्हारा लैंग्वेज पेपर होगा एक ऐसे होगा चार हो गए तीन हो गए जीएस वन जीएस टू जीएस थ्री जीएस फोर ये हो गए चार फोर प्लस थ्री सेवन ऑप्शनल ऑप्शन एक ही पेपर तो उसके दो हो गए तो हाउ मेनी पेपर्स टेक्निकली नाइन पेपर्स मार्क्स सेवनटीन सेवनटीन फिफ्टी पर पेपर कितने घंटे का होता है एक पेपर कितने घंटे का होता है थ्री आवर्स राइट कितने वर्ड्स लिखने होते हैं उसमें कर रहा है कैलकुलेशन कभी आपने अरे तो पेपर में ही जाला करा नाइन पेपर्स चलो कैलकुलेट करेंगे ऐसे होता है ठीक है ऐसे कितने मार्क का है टू फिफ्टी राइट गाइस ये भी हैंग होगा सुन के चलो टू फिफ्टी मार्क का दो एसेस होते हैं वन ट्वेंटी फाइव वन ट्वेंटी फाइव याद रखना जितने भी जितने मार्क्स होते हैं ना उसको उतना वन करना है आपको अगर मैं पूछू बोलू क्या ये दस मार्क का क्वेश्चन है

ये 1250 वर्ड्स का हो गया बराबर है जीएस अगर मैं जीएस की बात कितने क्वेश्चंस होते हैं जीएस में टोटल 20 क्वेश्चंस है बराबर है जीएस कितने मार्क का होता है 250 मार्क्स का होता है बराबर है स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस होते हैं 10 मार्कस उसके बाद के 10 क्वेश्चंस होते हैं 15 मार्कस पकड़ लो इसको पकड़ गए इसको पकड़ लो बारह सौ का पर क्वेश्चन और ये हो गया तुम्हारा ढाई सॉरी डेढ़ सौ वर्ड्स इंटू टेन एंड टू फिफ्टी वर्ड्स इंटू टेन तो ये जीएस मधे तुम्हें कि चार जीएस हो गए कितने वर्ड्स हो गए यहाँ पे ऊपर कितने हो गए अड़ी हजार ना सही है ऑप्शन में पकड़ो ऑप्शन में पकड़ के चलो पाँच हजार वर्ड्स दो पकड़ के चलो करें कैलकुलेशन सोलह तीन उन्नीस पाँच चौबीस लैंग्वेज एंड इंग्लिश पेपर इसके पाँच, इसके पांच पकड़ के चलो कितने हो गए रेंज थर्टी थाउजेंड प्लस माइनस थर्टी थाउजेंड वर्ड्स यूर राइटिंग इन ऑन नाइन डेज बरोबर है करो कैलकुलेशन ना जस्ट इमा दिस दिस इज कैलकुलेशन जो आपके एक्चुअल होना चाहिए मेन्स है डिस्क्रिप्टिव है कौन सांग नहीं जरा सोले के पाजे वो आपको बताएंगे डी कोर कैसा करने सिलेबस कॉमन सेंस ये किसको नहीं पता नाइन पेपर एन ऑल ब्लड स्टफ ये होना चाहिए कैलकुलेशन आपके पास अब इसके बाद इसके बाद सबसे पहले चलो पकड़ लो अगर मैं एक दस मार्क का क्वेश्चन पकड़ता हूं सही है दस मार्क का क्वेश्चन है तो उस दस मार्क के क्वेश्चन के लिए मुझे चाहिए आठ मिनट में मैं लिखता हूं उसको एट मिनट ठीक है इसको भी डिकोड करना होता है आपको वन मिनट फॉर क्वेश्चन डी वन मिनिट फॉर ब्रेन स्टॉम्बिंग अँड सिक्स मिनिट फॉर आन्सर रायटिंग मतलब अगर यहां पे गडबड हो गया गुढचं जे आहे एकोणीस प्रश्न ते चुकतात आणि हे टाइमिंग फिक्स आहे यू कॅन राईट इट इन सेवन पॉइंट इवन फिफ्टी नाइन सेकंड्स बट यू कैन नॉट ट्राई टू इवन अटेम्प्ट इन एट पॉइंट वन सेकंड क्योंकि हम लोग जब स्टार्ट करेंगे ना आपको समझ में आएगा कि आप जब पहला क्वेश्चन लिखोगे जब मैं आपके सेशंस लूंगा आंसर राइटिंग के तो आपको समझ में आएगा कि बेसिकली अगर मैं स्टार्टिंग में तो बोलता हूँ ओपन बुक कंटेक्स भी आपके सामने है क्वेश्चन आपको दे दूंगा पढ़ के लिखिए क्योंकि मुझे पता है जो ओपन बुक में होता है क्या क्या कंटेंट मत दिया है पाँच छः वर्ड्स वगैरह रहेगा उसमें लेकिन उसको भी तो कॉपी पेस्ट करना एक, एक अलग सी कला है ना वर्ड्स को अगर आपको डेढ़ सौ वर्ड्स में लिखना है अब टू है नहीं पहला पैरफ लिखेंगे छोड़ छोड़ दो थर्ड लिखेंगे फोर्थ छोड़ दो ऐसा तो थोड़ी होने वाला है यहाँ पर तो इवन दैट्स अ स्किल इवन दैट्स अ स्किल एंड यू सपोज डू इट इन हाउ मेनी मिनट्स सिक्स मिनट्स एक्चुअल सिक्स मिनट इसमें क्वेश्चन नहीं समझा तो आपको अगर इसमें क्वेश्चन नहीं समझ में आया क्योंकि हम लोग बोलते ना क्वेश्चन में सर क्वेश्चन मध्य नस्ते इंट्रोडक्शन मेन बॉडी कंक्लूजन अरे पहले क्वेश्चन तो समझ क्वेश्चन में होता है डायरेक्टिव क्वेश्चन में होते हैं डिमांड्स वन इज कोर डिमांड वन इज इम्प्लाइड डिमांड डायरेक्टिव एक्सप्लेन कमेंट डिस्कस एलैबोरेट एल्यूशरेट एनालाइज क्रिटिक एनालाइस ना वॉट यू आर आस्ट टू डू दैट इज डायरेक्टिव बोला ये करो एक्सप्लेन करो डिस्कस करो कमेंट करो ओपिनियन दीजिए एनालाइज कीजिए क्रिटिकली एनालाइज कीजिए वो क्या हो गया वो डायरेक्टिव हो गया अगर मैं आई विल गिव यू अ सिंपल क्वेश्चन एक्सप्लेन द रोल ऑफ बेसिकली ट्रांसजेंडर्स इन दी सोशल डेवलपमेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है यहां पे तो यहाँ पकड़ो एक्सप्लेन क्या हो गया डायरेक्टिव द रोल ऑफ बेसिकली ट्रांसजेंडर्स इन सोशल डेवलपमेंट तो यहां पे मेन डिमांड क्या है रोल ऑफ ट्रांसजेंडर्स तो ये सिंपल क्वेश्चन है क्या राइट इन द रिटेल इन द ऑफ फैमिली सिस्टम अप अपल इन द सोसाइटी एक्सप्लेन द रोल ऑफ ऑल दी जेंडर्स इन सोसाइटल डेवलपमेंट ये है यूपीसी का सवाल वापस एक्सप्लेन आ गया तो डायरेटिव तो हो गया लेकिन यहां पे डिमांड चेंज हो गए अभी यहां पे दो डिमांड आ गए एक होगा इंप्लाइड डिमांड एक हो गया कोर डिमांड आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है इंप्लाइ डिमांड इज क्या द मेन द मेन डिमांड ऑफ द द्वेशन जिसको बोलते हैं कोर डिमांड लेकिन उसको एक एग्जाम्पल के साथ पूछा है तो वो आपका सेकेंडरी डिमांड हो जाता है तो आप मेरे क्वेश्चन में मेरे आंसर में इंट्रो तो जाएगा मेरा सेकेंड पैराग्राफ जाएगा सेकेंडरी डिमांड में और मेरा थर्ड पैराग्राफ स्टार्ट होगा कोर डिमांड विच इज मेन डिमांड ऑफ द द्वेश्चन प्रॉब्लम क्या होता है बच्चे जो कोर डिमांड है ना तो सेकेंडरी डिमांड समझू लीता तो उन्हें क्या लगता था बेसिकली सर आंसर तो लिखा है अगर आपको आंसर आंसर आपने answer फिर क्यों नहीं मिल रहा आपको? So, this question, this बाद नहीं करेंगे पहले यहां पे कॉमन सेंस है उतना तो एक्सप्लोर कीजिए मैं तो फ्रेंकली बोलता हूँ एक्सप्लोर कीजिए की वीडियोस देखना चाहिए आप लोगों ने बुक्स के बारे में किसे कोई कॉमन स्टैंड है क्या बुक्स ला यून किससे कोई कॉमन स्टैंड नहीं ये ही पढ़ना है कोई भी स्टैंडर्ड रेफरेंस पकड़ लो ऐसा कोई है जिसने कहा है कि हाँ हिच वाचारा नहीं तो इसका मतलब दिस इज फॉर श्योर के हर एक टॉपर ने अपने अपने हिसाब से बुक्स पढ़े हैं किसी एक इंसान ने लक्ष्मीकांत सर की किताब पढ़ी होगी किसी ने सुभाष कश्यप पढ़ी होगी किसी ने डीडी बसु पढ़ी होगी कॉमन सेंस है वो डिपेंड भी करता है कि आपका ग्रेजुएशन किस में है अब जो नॉर्मली बी वाले हैं वो जनरल साइंस के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ते जो हूम्यूनिटीज़ वाले हैं वो बेसिकली हिस्ट्री जोग्राफी ज़्यादा नहीं पढ़ते जो कॉमर्स वाले हैं वो ज़्यादा इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते है ना और जो आतिशान है वो कुछ नहीं पढ़ते कॉमन सेंस आए थे नो yes no? तो ये आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये थोड़ा सा मीन्स के बारे में समझ में क्वेश्चन के बारे में ठीक है तो चलो आगे बढ़ते जल्दी से आप देख लोगे अभी यहाँ पर बेसिकली सर वी हैव एसए पेपर्स एस में कितने कैटेगरी आते हैं कितने सब टाइप्स आते हैं तो देर आर अराउंड टेन टू फोर्टीन सब टाइप्स ऑफ एसेस और अगर मैं इसको थोड़ा सा और एकदम जनरल वे में इसको करूं तो कम से कम पांच प्रकार के एसेस आते हैं कम से कम कॉमन सेंस से एक लिखना होता है ऑप्शन कितने आए तिकड़े चार मुझे चार कैटेगरीज आए कि नहीं अब ऐसा थोड़ी कि चारों के चारों ही फिलोसॉफिकल डालेंगे ऐसा थोड़ी कि चारों के चारों ही सोशल डालेंगे आय आर डालेंगे इकोनॉमिक डालेंगे तो इसका मतलब चार डिफरेंट प्रकार के डोमेन्स हो गए अब आप उसको जितना और एक अगर मैंने बोल दिया सोसाइटल या मैंने बेसिकली बोल दिया तो In, right? तो आय आर पर्स्पेक्टिव अरे आयर में तो डिफरेंट है कैन इंडिया यूएस रिलेशन भी कंपेर्ड विद इंडिया रशिया रिलेशन कैन दैट भी कम्पेर्ड विद इंडिया एंड बगल वाला रिलेशन देर कैनॉट भी कंपेयर राइट तो आयर तो डोमेन होगा अभी यहाँ पे अब यहाँ पे वेस्टर्न साइड नॉर्दर्न साइड सदर्न साइड ऑस्ट्रेलिया अलग है साउथ ईस्टर्न साइड तो रीजन टू रीजन में अलग मिडिल अगर देखो कि पिछले महीने पता है आप लोगों को थोड़ा सुना होगा कभी तो उसके साथ रिलेशन आ गए किसी ने एनी वन है नहीं तो नहीं सुना एनी वन हर्ड सबने सुना है आता कैसे हाथों आले देखो एक तो मुझे हाँ या ना बोल दो नहीं तो मैं सीधा पूछ दूंगा आपको नहीं सुना है शाबाश अच्छा किसने सुना? सुना है मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगा अच्छा मुझे बताइए बेटा चलो आईक्लेस ना ऐकलेर मध्य ठीक है ठीक है तो अगर आपने वर्ड ऐक तो जब चार बार पोर्ट हुआ जब वो डील साइन हुई ना इंडिया ने किया बेसिल फॉर टेन इस दैट वाज अ गुड डील फॉर अस राइट लेकिन अगर आप देखोगे उसके एग्जैक्टली पंद्रह दिन के बाद यूएस ने क्या शोइंग इट्स ट्रू केलस अगेन उसने सैंक्शन कर दिया वहां पर उन्हें बोला क्या कि कि बेसिकली के साथ ये रहेंगे तो डील करेगा तो उसके ऊपर हम लोग सैक्शन रखेंगे तो यहां पे इसका मतलब ये जो डील है इसका फर्स्ट हाफ में तो यूपीएससी पूछेगा क्रिटिकली एनालाइज दोनों आ गए ना यहां पर सो कंसिडरिंग द रिसेंट एग्रीमेंट साइन बिटवीन इंडिया एंड एक्सवाइज क्रिटिकली एनालाइज इट्स इंपैक्ट अपॉन इंडिया एक्स वाइज हेड देखिए क्वेश्चंस ऐसे ही आ रहा है यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए अगर आप जब न्यूज़पेपर सब पढ़ोगे ना हम लोग न्यूज़पेपर साथ में भी पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो न्यूज होती है एनीवन वास सीन न्यूज एक्चुअली पढ़ा है रियल लाइफ में पढ़ा है किसने तो बेसिकली न्यूज में दो चीजें होती न्यूज पेपर में दो चीजें होती है एक होता है न्यूज एंड एक आता मतलब किसने इलेक्शन जीता किसने नहीं जीता यह क्या हो गई ये हो गई न्यूज इसका इम्पैक्ट इंडिया के आने आने वाले सालों पे क्या होगा इसके क्या होता है इंफॉर्मेशन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन कहाँ पे आती है एडिटोरियल्स में इसलिए अगर आप वर्किंग हो अंडर ग्रेजुएट्स हो है ना तो एट दिस मोमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन पढ़ना सर न्यूज क्यों नहीं क्योंकि न्यूज देखो करंट अफेयर मैगजीन हम लोग पढ़ते हैं उस मैगजीन में न्यूज ही तो कवर होता है तो जो चीज बेसिकली टीम करके दे रही है वो मैं क्यों करूंगा आई वेस्ट माई टाइम ओवर द राइट इफ अ मैगजीन इज वी प्रिपेयर इंस्टीट्यूशन तो उसके पीछे टीम लगी होती है जिस टीम में एक्सपर्ट्स होते हैं है ना अब इमेजिन करो मेरे स्टैटिक के नोट्स अलग मेरे करंट अफेयर्स के नोट्स अलग मेरे खुद के रिविजन के नोट्स अलग दोस्त ने बोला उसके नोट्स अलग आई फैक्ट आई एम टेलिंग यू दिस ये आपने कर भी दिया एंड यू आर डूइंग इट फॉर मंथ्स आपने डूंगी फिफ्थ आपका ऑफ नॉट जस्ट इमेजिन दिस बारह महीने का अगर मैं वो नोट्स बना रहा हूं तो मेरे नोट्स कितने बड़े बनेंगे बारह महीने तुम्हें तो नोट्स बना बनाता है ना तो नोट्स कितने मोटे बनना अभी आपके पास वक्त यू यू विल फील दैट हैव यूल एनर्जी राइट हेपन करा, तेपन करा, करा, सर मैं ये पन कर सगड़ा करल सर मैं तुम्हें नौकरी गई मैं नौकरीपन कर सगड़ा करना ठीक है अभी आपके पास वक्त है इमेजिन योर सर ड्यूरिंग प्रम्स में ऐसा होता है कि तीन घंटे का आपका प्रल्लेम्स यहाँ पे आप मॉक्स दोगे उसके बाद दो घंटा हम लोग रिविजन लेते हैं उसके बाद मैं खुद बोलता हूँ कि आप जाके दो घंटा आप एनालिसिस कीजिए तो छे घंटे तो वैसे ही यहाँ पे खत्म हो गए आपके अब आप इसके बाद आप 20-25 जो आपके नोट्स बनाए हैं पूरे साल में वो कब पढ़ने वाले हो आप बिकॉज मैने स्टूडेंट्स कमेंट क्वेश्चन में कि सर नोट्स चाहिए? काट आर बेसिकली नोट्स कभी ये सुना सोचा आपने नोट्स कशाटी मतलब अब आपके साथ डिस्कस करूंगा teaching, always, right? तो अगर मैं एनवायरमेंट आपको पढ़ा रहा हूँ वो लिख रहे हो रो यू रियल दैट इज नोट्स वो नोट्स नहीं है गाइज वो है ना एक ट्रांसलेशन है जो आप सिंपलीफाइड वे में लिख रहे हो समझ में लक्ष्मीकांत सर की किताब है ना वो है आठ सौ पन्नो की अब जब उसकी आप नोट्स बनाओगे आपके खुद के लैंग्वेज में सिंप्लीफाइड वे में तो इमेजिंग अगर वो बुक 800 सौ पन्नो के तो आपके नोट्स कितने पन्नों के बनोगे अब क्या आप उसको नोट्स बोलोगे आपके नोट्स दे शुड फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ ट्रिनिटी ट्रिनिटी मतलब ट्राइंगल ये तीन चीजें आपके नोट्स में होने चाहिए या नोट्स बनाने से पहले आपके दिमाग में ये सबकॉन्शियस माइंड में जाना चाहिए नंबर वन आपको आपका सिलेबस पार्ट होना चाहिए फैक्ट बिकॉज अगर मुझे ये नहीं पता है पॉलिटिपिक क्वेश्चन आते हैं अराउंड फोर्टीन टू एटीन तो एवरेज पकड़ लो पंद्रह सोलह चैप्टर्स कितने अभी नाइनटी चैप्टर्स है नाइनटी चैप्टर्स बुक उसमें से क्वेश्चन कितने आते हैं पंद्रह सोलह उसमें भी बेसिकली दस साठ से आठ क्वेश्चन आते हैं स्टैटिक वाले और सात आठ आते हैं मेरे करंट अफेयर्स को कनेक्टेड तो अब इमेजिन कीजिए तो मुझे ये तो समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन जो से आते इसका मतलब वो कुछ पर्टिकुलर डोमेन से आते रहेंगे चैप्टर्स तो उसमें पॉलिटी में एक्चुअली फोर्टी फोर्टी फाइव चैप्टर्स ही है जिसके ऊपर आठ दस आठ दस क्वेश्चन एवरी ईयर है ना वो घूम के घूम के घूम के घूम के वही आता है देर आर सच चैप्टर्स इन पॉलिटी जो अब तक यूपीसी ने अब तक नहीं पूछा है अब तक एटलीस्ट इन लास्ट 50 इयर्स लेकिन वो बुक्स में है क्यों बस आपको मालूम होना चाहिए आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस तो कैन आई हैव वन साइज फिट ऑल ऑल अप्रोच फॉर दी चैप्टर्स देन ये समझो इसको डी ये कीजिए इंपॉर्टेंट है तो सबसे पहले आपको सिलेबस मालूम होना चाहिए उसके साथ पी वैक्यूस उसके साथ प्रॉपर पी वैक्यूस पी वैक्यूस आप आज पढ़िए पहली बार कोई बात नहीं दो दिन पढ़िए कोई बात नहीं तीन दिन पढ़िए कोई बात नहीं दस दिन पढ़िए डोंट यू रियली फील कि विधि में थोड़ा सा अंदाज आना स्टार्ट हो जाएगा आपको और यही यही दो चीजें हमेशा टॉपर्स कहेंगे फाइंड दिस इन 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 एवरी एवरी टॉपर सेशन ऑल ऑल रैंक रैंक हो हो या ही कहेंगे सिलेबस एंड पी वैक्यूज हमें क्या लगता है एक बार पी वैक्यूज पढ़ लिया वो पढ़ने के लिए नहीं बोलते हैं वो बोलते हैं एनालिसिस करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन रीडिंग अ पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर वंस रीडिंग टाइम्स डोंट यू थिंकेंस उसी में पे भी पढ़ते जा रहा तो कहा ना कहा तो बनेगा। पे मैं कर रहा तो जब मैं क्लासेस में बैठता हूं यहां पर तो हमारा सब कॉन्शियस माइंड स्टार्ट हो जाता है अरे ये पीवे क्यों आ चुका था हाँ ये सिलेबस में क्योंकि अनलेस एन अनिल अगर जो फैकल्टी यहां पर पढ़ा रहा है तो दिस ऑल्सो मेक सेंस ना कि वो सिलेबस को लेकर जा रहा है आपको मालूम होना चाहिए कि नहीं मालूम होना चाहिए हाँ यह सिलेबस का यह पार्ट है मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सत्रह का सत्रह का सवाल है अठारह का सवाल लेकिन यह तो थाउजेंड परसेंट मालूम होना चाहिए कि ये सवाल जरूर है देन एंड ओनली देन यू आर एक्चुअली इंक्लाइंट टूवर्ड्स दाथ ऑफ सक्सेस ये याद रखें जितना डिविएशन कम रखोगे उतना टाइम बेसिकली कम लगेगा आपको जितना डिविएशन ज्यादा रखोगे मैं ये बिल्कुल नहीं कहते कि आप पास नहीं करोगे या आप नहीं निकालोगे बट डोंट टू फील द डिफरेंस बिटवीन क्लियरिंग क्लियरिंग इट इन वन टू अटम्प्स एंड क्लियरिंग इन फाइव सेवन अटम्प्स कुछ तो डिफरेंस होगा इसमें दे पहला अटम्प लगा क्या होना है कौतूक है क्या यार पहले एक दो अटैम्प में निकले सेवंथ में क्या आसना है माती का तुम्हारा निकलास पाजल होता निकलना तो चाहिए था ना बेसिकली अगर अगर कोई बच्चा सात छः सात अटम्प दे रहा है तो इसका मतलब कम से कम सात आठ साल से फील्ड में है तो अब ऐसी टेंडेंसी हो जाती है अरे वो तो निकलना चाहिए था ना अब इतने सालों से पढ़ रहा है कैन यू कंपेयर दिस दिस टू थॉट्स ये तो खुद हमें भी लगना स्टार्ट हो जाता है आफ्टर रिपीटेड स्टफ तो ये चीजें फॉलो करना आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जब मुझे पीवेक्स पता है जब मुझे सिलेबस पता है उसके बाद जब मैं क्लासेस कर रहा हूँ क्लासेस कर रहा हूँ और क्लासेस करने के बाद जब मेरा स्टैटिक पार्ट समझ में आ रहा है और उसको जब मैं करंट अफेयर्स के साथ पढ़ता हूँ देन दैट बिकम्स माई बेसिकली अ प्रॉपर होलिस्टिक अप्रोच कहते हैं ना सीनियर्स टॉपर्स बोलते कि नहीं कॉम्प्रेंसिव अप्रोच रखी है होलिस्टिक अप्रोच रखी है तो ये जब आपका होलिस्टिक अप्रोच होता है देन एंड ओनली देन यू आर एक्चुअली एलिजिबल टू मेक नोट्स अकॉर्डिंग टू यूपीएससी एग्जाम परस्पेक्टिव इमेजिन कीजिए अगर मैं दुनिया की सबसे बेस्ट नोट्स आपको देता हूँ वेरी वंडरफुल रिटर्न केलीग्राफी वाला सबसे बेस्ट नोट्स में अगर आपको दे रहा हूं लेकिन अगर उसमें से एक भी सवाल नहीं निकल रहा है तो इज यूज ऑफ दैट बताइए लेकिन अगर कोई डॉक्टर से स्क्रिप्ट है डॉक्टर स्क्रिप्ट नहीं ना पहले ठीक है अगर वो स्क्रिप्ट वाले नोट्स है लेकिन सर उसमें से क्वेश्चन उस निकल रहे हैं आई यू अंडरस्टैंडिंग वट एम ट्राई टू टेल यू ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए तो दिस इज तो नोट्स के पीछे मत भागिए अभी होगा नया क्लास नए बुक्स नया पेन लिख रो डोंट डू दैट क्लास के नोट उसे मिलने वाले आप एबीसी में जाइए और बोलिए कि मुझे एक्सवाजर के नोट्स चाहिए ही विल गिव नोट्स ऑफ ऑलमोस्ट फैक्ट है यूनिक का मिलेगा के सागर का, का मिलेगा एक्सवाजर था ना टाटा माइग्रो का मिलेगा पियरसन का मिलेगा हमारी करे का है वो भी मिलेगा आपको कॉमन सेंस है ये तो नोट्स के पीछे मत जाइए नोट्स के पीछे बिल्कुल नहीं जाना आपको जाना है कंटेंट डेवलपमेंट के पीछे

तो दैट इज वेरी तो उसके लिए क्या करना चाहिए तो उसके लिए पी वैक्यूज एंड बेसिकली तुम्हारा सिलेबस अभी ये जो सिलेबस बेसिकली आपको मिला है ना ये नॉर्मली यूपीसी ने दिया सिलेबस है ये लेकिन अगर आप इसके सिलेबस को पढ़ोगे सबको मिला सिलेबस असको ना कहला बैठ है सिलेबस वगैरह तुम्हारा नहीं बैठेगा सिलेबस ब्रॉशर आठले का थे ठीक है वेरी गुड तो ठीक है तो याद रखना बेसिकली अगर आप सिलेबस देखो कितने पेजेस का सिलेबस है पढ़ाइए दोन तीन असल मैक्सिमम तीन आसन एनी जैसे मैंने प्रिलिम्स का आपको अंदाजा दिया है कि प्रिलिम्स में कितने टॉपिक्स होते हैं मेंस में कितने टॉपिक्स होते हैं फिर वैसे ठीक है किसने बोला शायद से यहां पे? यस देर आर अराउंड थ्री फिफ्टी एट टॉपिक्स इन मेन्स देर आर अराउंड थ्री फिफ्टी एट टॉपिक्स इन मेन्स ये याद रखना आप देखिए उतने तो दिन नहीं ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव के लिए करो कैलकुलेशन और वो भी कब वेन यू आर एक्चुअली वर्किंग लाइक मशीन्स आता मदी, आता रक्षाबंधन आई थिंक उसके बाद गणपति आएगा उसके बाद नवरत्न भी नवरत्न दैट पीरियड अराउंड मग दिवाजा है ना, ना उतर मग क्रिसमस आयुष्यर वर कष्ट वर्षभर वर तो न्यू ईयर इमेजिन कीजिए ये होता है ये होता है योर एनर्जी विल बी लाइक वेरी कॉन्स्टेंट इन दिस फर्स्ट वीक ओनली आई विल आई विल चैलेंज एम टेलिंग यू ये एनर्जी आप देखो नेक्स्ट वीक कैसे रहेगी आपके थोड़ा ड्रेन आउट हो गए आप ये फैक्ट है ना जस्ट इमेजिन दिस थ्री फिफ्टी एट टॉपिक्स एक्चुअली और काफी जगह पे अभी तो इमेजिन करो डू यू रियो फील दैट टाइम जो यूपीसी ने क्वेश्चन फ्रेम किया था क्रिप्टो करेंसी यूपीसी दिमाग में रहेगा ए आई रहेगा बिटकॉइन से रहेगा आता वाड लिया कि नहीं तो ये तो मैं जो आपको टॉपिक्स बता रहा हूं ये 2019 के डेटा के हिसाब से चलो पकोड़े 20 मैक्सिमम टॉपिक्स तरी न्यूक्लियर फैमिली थोड़ी था पंद्रह साल पहले अभी आया ना ये सब फैमिलीज का ना था क्या पंद्रह बीस साल पहले सोसाइटी का पार्ट नहीं था अब वो आया ना तो ये बेसिकली अभी यहां पे भी आ जाएगा तो जस्ट इमेजिन दिस अगर मैं प्लस टेन भी कर तो आर थ्री सेवेंटी टॉपिक्स इन मेन्स मैं सिर्फ जीएस की बात कर रहा हूं वो भी चार पेपर्स की बात कर रहा हूं मैंने यहां पे ऑप्शनल की बात नहीं की है ऑप्शनल तुम्हें कुटला ही गया ऑन एन एवरेज ऑन एन एवरेज पेपर वन पेपर टू तो मिले के मिलेगा पेपर वन में टेन पॉइंट टॉपिक्स एंड पेपर में टेन टॉपिक्स तो रखना की नहीं मुझे ते बेसिकली पकड़ लो यहाँ पे ट्वेंटी चैप्टर्स हो गए ऑप्शनल के और हर एक चैप्टर का अगर हम लोगों ने पकड़ लिया कि पाँच पाँच भी अगर सब पॉइंट्स हो गए तो ट्वेंटी इन टू फाइव हंड्रेड ते वाड़वा यू शुड डू दिस कैलकुलेशन गाइज यू शुड डू दिस कैलकुलेशन बिफोर प्लेइंग द गेम नो द रूल्स ऑफ द गेम फैक्ट एंड क्लियर बिफोर प्लेइंग द गेम नो द रूल्स ऑफ द गेम जहाँ भी आपको पता है तब आपको समझ में आएगा अच्छा ये मेरे दिन की शुरुआत है मैं दो घंटे बेसिकली क्लास को दूंगा दो घंटे बेसिकली मैं ऑप्शनल को दूंगा और जी एस को दूँगा पाँच घंटे मैं ऑप्शनल को दूंगा अच्छा यहाँ पे पाँच छः घंटे चले गए नाव आई एम आई एम स्लीपिंग फॉर सेवन टू एट आवर्स वो वहाँ पर पंद्रह घंटे हो गए फिर भी मेरे पास इतना है मैं का खाना आप खाते हो तो मुझे तुम्हारा कैसे स्वेपत करा हुआ लागत नहीं ना पकड़ लगे एक दो घंटा चलेगा तो टेक्निकली कैलकुलेशन बेसिकली काम करता है जो पंचवर्षीय योजना के साथ नहीं है जो निवंता है ठीक मत, मत, है मतलब तो मत लेकिन जो है यहाँ पे हाँ सर मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स में मुझे एग्जाम निकालना है तो ये तो आपको कैलकुलेशन चाहिए ही चाहिए अगर आप सिलेबस भी या अगर आप यहां पे ब्रोशर में भी सिलेबस पढ़ोगे स्टिल यू विल फाइंड अराउंड अराउंड टॉपिक्स टॉपिक्स लाइक इसमें मिलेगा ब्रोशर में मिलेगा आपको जो डी कोडिड है अभी जोग्राफी प्लीज जीएस जीएसन का देख लो सब लोग एक बार जीएस वन में जोग्राफी देखो मेन्स का देखो मेन्स का आना ही तुमसे कड़े संगता का थोड़ा सा ब्रॉशर पाठवा संगना तो अपना हेला ब्रॉशर घून मन चार पांच इतने कुनाक नहीं है ब्रॉशर्स एक दोन ठीक है तुम्हे का ब्रॉशर ठीक है मैं ठीक है मानता है जोग्रफी देख लीजिए एक बार जीएस वन देख देख लीजिए मेन्स का सही है उसमें ज्योग्रफी है प्लीज रीड आउट एनी वन ज्योग्राफी का सिलेबस उसमें कितना क्या क्या दिया है एक बार रीड आउट कीजिए लाउडली वाच राजा वच वाच तो क्या वाच तुम्हारा परेड सा कॉल दयावा लगता है हाँ जोग्राफी आप दी नहीं तो सिलेबस प्रिलिम्स नहीं राजा मेन्स वाला मेन्स जो है ना जीएस पेपर वन आपला दीजिए शेयर पाठो पढ़े किसके पास नहीं है प्लीज रेज्यू हैंड्स एवरीवन नहीं आप मेरे पास दे ये लीजिए इधर कोनागढ़ नहीं है दर दे क्या लिखा है उसमें जोग्राफी का फिजिस ऑफ वर्ल्ड जोग्राफी ठीक है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेस ठीक है दो ना दोन, ठीक है इंडस्ट्रीज ठीक है तीन अजु अर्थ वगैरह वगैरह वगैरा इकोनॉमिक्स चार पांच जियोपोलिटिकल फिजिकल फेनोमिक्स अजु ठीक है सहा अजून फ्लोराइन फोना वगैरह ठीक है इतना ही है राइट अगर आप इसको प्रॉपर एनसीआरटीज में पढ़ोगे मैं सिर्फ ज्योग्राफी की बात कर रहा हूं ठीक है ज्योग्राफी में टोटल एनसीआरटीज है नाइन टोटल एन है नाइन सिक्स सेवेंथ एट नाइन्थ टेंथ ये ज्यादा किति पांच ग्यारह के दो बारहवें दो नाइन एनसीआरटीज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पकड़ता हूं कि हर एनसीआर टीज में टेन चैप्टर्स है मैंने कम पकड़े हैं टेन चैप्टर्स पकड़ के चलो फिर भी कितने चैप्टर्स हो गए सिलेबस कितने दिल लाया है इसका वेटेज कितना है हंड्रेड टू एट्टी टू हंड्रेड मार्क्स समझ में आ रहा है कैसे आपको तो इसका मतलब है सिलेबस दिया है बेसिकली सर पांच से छ पॉइंटर्स का जिसका वेटेज है अराउंड एट्टी टू हंड्रेड लेकिन मेरा जो एनसीआरटीज है उसमें है टोटल 90 चैप्टर्स क्या ये पॉइंट ये लाइन कनेक्टेड लग रही है आपको तो इसका मतलब कहां ना कहा यहां पे वैक्यूम से राइट और रॉन्ग नॉट डू रियली बिलीव दैट अगर आप प्रिलिम्स में अगर आप प्रिलिम्स दे रहे हो और डू यू बिलीव इन द मंथ ऑफ अप्रैल अराउंड देर आर फोर्टी फाइव टू बी रेड अराउंड देर आर फोर्टी फाइव एनसीआर टू बी रेड हमने डिस्कस किया था ना पांच कन्वेंशनल पांच के पांच के नाइन पकड़ लो हो गया फोर्टी फाइव डू यू रियली बिलीव इन द मंथ ऑफ़ यू बी एबल टू रीड फोर्टी फाइव एनसीआर अच्छा फोर्टी फाइव एनसी पकड़ू ना का ही कैलक्युलेशन करा और मैंने क्या बोला है इसके बाद क्या होता है सेकेंड रीडिंग इसके बाद क्या होता है रिवीजन इसके बाद नोट्स मेकिंग इसके बाद करंट अफेयर्स अपडेशन इसके बाद मॉक्स इसके बाद मेरा इम्प्रूवमेंट इसके बाद वापस मैं मॉक्स लगाऊंगा फिर जाके मैं प्रम्स लगाऊंग बसनर गाड़ी से गिरते हो तो क्या गाड़ी वहीं पे रखते हो तो इसका मतलब अगर मैंने एक मॉक दे दिया तो उसमें तो इंप्रूवमेंट करूंगा ना मैं और जब मैं इंप्रूवड वर्जन से वापस मॉक दूंगा तब यहां पे मुझे एक्चुअल समझ में आता है कि मैं एक्चुअल कितने पाने में हूं दिस इज दैक्ट और देन आई से अच्छा सर मेरा आप सिलेबस हुआ है नाउ आई एम प्रिपेर्ड फॉर वॉट फॉर प्रम्स प्रस की बात कर रहा हूं जो सिर्फ ऑब्जेक्टिव है इसलिए कहा जाता है कि यूपीएससी बेसिकली टफ है टफ नहीं है इस पे, इसको खिचड़ी करते सब लोग इफ आई से बेसिकली के अगर मैं आपको बोलूंगा कि चलो पकड़ पकड़ लो सर लेते हम लोग फिलहाल ठीक है मेन सोलह टॉपिक्स तो अगर मैं इसको इंडिविजुअली करूंगा तो एक साल भी तो कम है मेरे लिए क्योंकि सिर्फ जीएस की बात कर रहा हूं मैं यहां पर लेकिन अगर मैं यहां पर भी इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है बाय लिंकिंग जोग्राफी की बात करता है पेपर वन ज्योग्राफी पेपर टू वी हैव समथिंग कॉल्ड एज इंटरनेशनल रिलेशन डोंट यू थिंक दैट इज जोग्राफी देन पेपर थ्री वी हैव समथिंग कॉल्ड एज समथिंगमेंट दैट इज ज्योग्राफी वी हैव समथिंग कॉल्ड एज इंटरनल सिक्योरिटी दैट इज जोग्राफी वी हैव समथिंग कॉल्ड एज डिजास्टर मैनेजमेंट इज दैट नॉट जोग्राफी देन गाइज ये कनेक्ट करना आना चाहिए आपको

तो ये लिंक करके आना चाहिए आपको तब जाके तब जाके बेसिकली आपकी जो पढ़ाई है मैं इजी नहीं कहूंगा लेकिन कन्वीनियंट जरूर हो जाती है इज ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन प्रिपरेशन एंड इफेक्टिव प्रिपरेशन ऑलवेज रेम बात प्रिपरेशन एंड यूपीएससी भी कहता है क्रेडिट विल बी गिवन फॉर एन इफेक्टिव आंसर ये स्टेटमेंट है यूपीएससी का क्रेडिट मन जो क्या है एडिशनल मार्क्स है ना पॉइंट फाइव पॉइंट वन तो नस्ते कदे पॉइंट फाइव वगैरह अभी आप सर बोलेंगे सर पॉइंट फाइव से क्या होने वाला है चलो ठीक है मानता हूँ फिर मैं भी कुछ नहीं होगा बेटा देखो जी एस वन के कितने पेपर्स है चार एक दो तीन चार कितने क्वेश्चन है ट्वेंटी ट्वेंटी का अगर मैं पॉइंट फाइव पकड़ू तो कितना हो गया टेन चलो उसका भी पॉइंट फाइव पकड़े पाँच कितना हो गया ट्वेंटी मार्क्स जस्ट बाय इफेक्टिव प्रिपरेशन जायेक्टिव जीएस की बात की आप किसी भी टॉपर्स को पूछिए बेसिकली हाफ हाफ मार्क्स से एक एक मार्क्स से आई एस से आई पी एस बन जाता है आईपीएस से आई आर एस बन जाता है आई आर एस से बेसिकल इंडिया सर्विस सेंट्रल इंडिया सर्विस चले जाते हैं ग्रुप के सर्विस निकल जाते हैं जस्ट इमेजन दिस फर्क पड़ता है इसके बाद ऑप्शन की बात कर रहा हूँ मैं ऑप्शन जो बेसिकली आपका स्पेशलेन है क्योंकि जो मेंस में जो नाइन पेपर्स होते हैं यूपीएससी ने क्या किया वहां पे सात पेपर्स मैं डिसाइड करूंगा ऐसे कौन डिसाइड कर रहा है यूपीएससी इंग्लिश यूपीएससी लैंग्वेज यूपीएससी चार जीएस पेपर्स तो यूपीएससी को लगा यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है है ना थोड़ा सा वन वेज आया तो यूपीएससी ने क्या कर दिया यूपीएससी ने बोल दिया काम कीजिए चलो मैं आपको एक चांस देता हूँ अभी आपको आई एम आई एम गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू जस्ट सिलेक्ट वन सब्जेक्ट उसका मैं वेटेज बढ़ा रहा हूं और उसको मैंने कितना बढ़ा दिया पाँच सौ मार्कावरीज बढ़ा दिया इसलिए तो कहा जाता है ना कि बेसिकली ऑप्शन आर गेम चेंजर्स ऑप्शनल अच्छा रहा आपका तैयारी अच्छी रही एक तो इंटरव्यू का फॉर्म या प्रीलिम्स का फॉर्म फैक्ट है एक चीज हमेशा रखना हम लोग थोड़ा सा वाइंड अप भी करेंगे आपके क्यूआई ए भी लूंगा मैं ये पीपीटी के पीपीटी तो हो तो रही

अगर आप यूपीएससी के ट्रांसक्रिप्ट देखोगे ना तो उसमें आज के तारीख में भी यूपीएससी सवाल पूछता है इफ़ यू आर यंग चैप राइट ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ईयर्स का अगर आप उसमें जा रहे हो इंटरव्यू में तो यूपीएससी पूछेगा ना इक्कीस बारिश के साथ आपको तो जिंदगी जीना चाहिए बेसिकली है ना तो पहले भी बोलेगा बेटा जिंदगी ना मिलेगी बार यहाँ पे क्यों आ रहे हो आप तो वॉट इज योर वाई तो वो जानना चाहे ना यूपीएससी वालों को तो आपका वाई बहुत क्लियर होना चाहिए प्लीज से ना सर दिवेची गाड़ी है ठीक है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ठीक है फैमिली का ये सब ठीक है आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग दैट लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा ये जो चीजें हैं ना ये सेकेंडरी होनी चाहिए आपके आणि येणारच आहे ना तुम एनार नहीं का योर प्राइमरी मोटिव शुड बी वेरी क्लियर आपके पर्सनैलिटी में कहा ना कहा एक फीलिंग दिखना चाहिए जो इंप्लाई करता है कि आप सेवा करने की चाह रखते हो सर्विस यूपी से नाम ही है वो सर्विस वो भी पब्लिक सर्विस नॉट सेल्फ सर्विस पब्लिक सर्विस तो ये कहा ना कहा रिफ्लेक्ट होना चाहिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए थर्ड स्टेज को क्या कहा गया है पीटी द टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी विच बिन डेवलप इन दी एंटायर स्टेज ऑफ योर प्रिपरेशन आप बिकॉज द एग्जाम इज बेसिकली एग्जाम ऑफ एवोल्यूशन इज बेसिकली एग्जाम ऑफ डेवलपमेंट डेवलपमेंट ऑफ वॉट डेवलपमेंट ऑफ थॉट्स पर्सनैलिटीज आप कितने रिजिड हो आप कितने फ्लेक्सिबल हो क्या आप सिस्टम में रह के बेसिकली काम कर सकते हो आई यू नाट केपेबल क्या आप में वो एटीट्यूड भी है क्या आप में वो एप्टीट्यूड भी है बिकॉज बिकॉज पब्लिक सर्विस जो है ना वो साथ में लेके चलना पड़ता है ना सबको तो वो वहाँ पे चेक करते हैं इज समथिंग कॉल्ड टेक्निक मतलब वहाँ पे कभी पूछते कि अगर आप ऐसे हो इफ यू आर पोस्टिंग समवेयर केस स्टडीज होता है ना यूपीएससी में एथिक्स में कभी कभी वो भी पूछते वहाँ पर जस्ट इमेजिन यू आर पोस्टेड एक्सपायजर्ड ऐसे कंडीशन हुआ तो आप क्या करोगे और अरे आप एक्सपेक्टेड है तुरंत सिटुएशन रिस्पॉन्ड टीम क्वेश्चन होता है टेक्निक्स होता ही है ये तो ये अगर आप इवॉल्व हो तो आंसर विल फ्लो आउट अगर आप इवॉल्व नहीं हो तो आप आंसर बनाओगे जहां पे पकड़े भी जाओगे समझ में आ रहा है बिकॉज जो आंसर एक नेचुरल फ्लो में आता है ना वो आ जाता है वो समझ में सामने वाले इंसान को भी समझ में आता है हाँ फ्लो में दी आंसर बद आंसर विच इज मेड ठीक है बना भी दिया लेकिन उसमें कितनी प्रैक्टिकलिटी है वो भी तो आप यूपी से देखेगा आप इमेजिन करो वो जो बैठे हैं वहां पे जितने हमारी एज ने उतने उनकी सर्विस होने के बाद वहां पे वो बैठे हैं एंड द रिटायरमेंट एज इज सिक्सटी फाइव हमारा खुद सिक्सटी है तो डिफरेंस तो होगा ना यहाँ पे हमें क्लियर एवरी वन ठीक बेसिकली देखेंगे तो बेसिकली पेपर वन में वी हैव हिस्ट्री मोटा मोटा हिस्ट्री वी हैव ज्योग्राफी वी हैव We have. में क्या क्या है जल्दी से बताइए एंशियंट मिडिवल मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर मेन्स है वर्ल्ड हिस्ट्री अब यहां पे जब मैं पी वी क्यूज करूंगा तब समझ में आएगा सर मॉडर्न इंपॉर्टेंट पोस्ट इंडिपेंडेंस इंपॉर्टेंट उसके बाद एंशियंट इंपॉर्टेंट फिर मिडिवल फिर आर्ट एंड कल्चर सॉरी तुम्हारा वर्ल्ड हिस्ट्री तो यहां पर इवन माई प्रायरिटाइजेशन ऑफ सब्जेक्ट स्टार्ट मतलब मेरा विद इन इंट्रा प्रायोरिटाइजेशन एंड इंटर इंटरप्रोडन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आई शुड बी एबल टू नो कि विच आर माई स्ट्रेंथ मतलब बोलते ना जो मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है और ये भी मालूम होना चाहिए सर सम सब्जेक्ट्स जो हल्का सा कहते हैं ना हल्का सा अपने बैकफुट पे हो सकता है तो दोनों के वो सेम अप्रोच नहीं रख सकते कैन आई हैव द सेम अप्रोच फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री जो मैं मॉडर्न हिस्ट्री को रख रहा हूं नहीं यहां पे आपको मालूम होना चाहिए वन साइज फिट ऑल इंट्रा सब्जेक्ट एंड इंटर सब्जेक्ट हो तो ही ज्योग्राफी हम लोग जाएंगे ना जोग्राफी में अभी पेपर वन यहाँ पे जोग्राफी फिजिकल वी हैव इंडियन वी हैव ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ये चार मेन ब्रांचेस है पर है चाहता सर्व बेस है ना बेस फिजिकल ज्योग्रफी तो इसका मतलब क्या सर मुझे फिजिकल जोग्रफी मुझे मेरी कमांड लेके आनी है क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ाया जाएगा बेसिकली फोल्ड माउंटेन्स कैसे बनते हैं और इंडियन जोग्राफी में बताया जाएगा कि हिमालय एक फोल्ड माउंटेन है तो जब तक मैं फिजिकल ज्योग्राफी ना पढ़ू तब तक ये स्टेटमेंट समझ में मैं रट्टा मारूंगा है ना क्या हाँ हिमालय है यंग फोल्ड माउंटेन्स बट हाउ दिस फोल्ड क्रिएटेड एम ए क्लियर ठीक है सोसाइटी सोसाइटी में बेसिकली क्या होगा बताइए जल्दी से ये चार हो गया सिंपल ये सीधा सिलेबस दिया मैंने डाइवर्सिटी हमारी स्ट्रेंथ ही वो है यूनिटी है ना डाइवर्सिटी ठीक है देन वी हैव रोल ऑफ वुमेन वेमेन्स ऑर्गेनाइजेशन पॉपुलेशन इश्यूज पावर्टी ऑल दफ अब यहां पे आपको समझ में आ जाएगा सोसाइटी का जीएस में कितना इंपॉर्टेंस है उसके लिए कितने किताब पढ़ने अगर इसके लिए फिर फोर्टी फिफ्टी मार्क्स आ रहा है तो ठीक है क्या फोर्टी फिफ्टी मार्क्स के लिए अगर मैं चार चार पांच किताब पढ़ रहा हूँ दस दैट मेक्स एनी सेंस हो गई हाँ ऑप्शनल रहा नहीं रहा तो अलग बात है मैं जीएस के बंदे की बात कर रहा हूँ तो ये समझ में आया हाँ ये इतने चालीस पचास मार्क्स आ रहे हैं मेरी एक एनसीआर टी से निकाल इलेवन की एनसीआरटी आती है एक आती है बेसिकली बेसिकलीवे की इंडियन सोसाइटी एंड बेसिकली ट्वेल्थ की आती है अंडरस्टैंडिंग इंडियन सोसाइटी बात खत्म दो सोसाइटी मैंने पढ़ ली दो एंसर पढ़ ली उतना ही चाहिए क्योंकि इसमें क्वेश्चन अगर आपकी तैयारी एक सुपरफिशियल भी है ना अब कैनोट यू राइट दिस क्वेश्चन डिस्कस दिसन एस्पेक्ट ऑफ यूनिट एंड डाइवर्सिटी और डाइवर्सिटी एस्पेक्ट ऑफ द नेशन को कौन नहीं लिख सकता ये बताइए उतना तो कॉमर्स में है आए कि नहीं पेपर टू पॉलिटी गवर्नेंस आई आर एन सोशल जस्टिस पॉलिटी क्या कॉन्स्टिट्यूशन वही आर्टिकल्स वही पार्ट्स वही सब टॉपिक्स राइट व्हाट इज गवर्नेंस बेसिकली सिंपल मीनिंग ऑफ गवर्नेंस सिंपल मीनिंग कुछ हाई फाइव मीनिंग नहीं चाहता हूं मैं यहां पे सिंपल मीनिंग ऑफ गवर्नेंस वेरी गुड फंक्शनिंग पार्ट ऑफ दी गवर्नमेंट इंप्लीमेंटेशन बोल दो एग्जीक्यूशन बोल दो ठीक है आई आर राइट सोशल जस्टिस अब देखो सोशल जस्टिस लगा रहा हो तो मैं सोसाइटी लगा सकता हूं यहां पे हमें क्लियर पेपर थ्री पूरे चार जीएस में ना पूरे चार जीएस में हा पेपर सरा थोड़ा सा हा है जिते स्कोर है ना थोड़ा कमी है तो एक्चुअली करेंगे इसमें इशू क्या है गाईस? इसमें इशू है ना लेकिन इसको बैलेंस और कैसे किया है ये काफी है ना ये काफी ओपन एंडेड सब्जेक्ट है एक्चुअली लिखने के लिए यहां पे दिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट डेवलपमेंट का मतलब क्या हाउ द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ इंडिया है डेवलपमेंट डील है ना यहां पे अगर मैं सिर्फ इकोनॉमिक्स लिख दू यहां पर तो अलग इकोनॉमी इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलग अलग कंसेप्ट सही है यहां पे दिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो यहाँ पे क्या पूछेगा नाइनटीन फिफ्टीज के बाद फेजिस को पूछेगा रिसेंट दस बीस साल के ट्रेंड्स को पूछेगा अमेर क्लियर ठीक है एस एन डी ओनली करंट अफेयर्स मैगजींस मिलता अगर आप हिंदू पेपर न्यूज़ पेपर पढ़ते हो तो उसका आई थिंक फ्राइडे एडिशन है जिसमें एस एन टी के बारे में टेक्नोलॉजीज के बारे में बताया जाता है उसका स्पेशल आता है सनडे फ्राइडे या सैटरडे जो भी उसका रहेगा एनवायरमेंट अगर आपने फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल जोग्राफी अगर आपने प्रॉपर वो फंडामेंटल पढ़ा है एनवायरमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ जोग्रफी ओनली क्योंकि एक्चुअली लिखने के लिए एनवायरमेंट लिखा बट वन ऑफ दी ब्रांचेस ऑफ इज एनवायरमेंटल जोग्राफी तो अगर मैंने वहाँ पर जोग्राफी कर दिया इतना लोड़ी इतना ही ठीक है, है। इंटरनल सिक्योरिटी अब जे एन जे एन के की कंडीशन देखिए वी हैव समथिंग कॉल्ड एज नक्सलिज्म उसकी कंडीशन देखिए वी हैव नाइन स्टेट्स जिसको कोस्टल बॉर्डर्स है कोस्ट है ना चला नौवा से राज्य है उसके इश्यूज अलग रहेंगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया पिछले बार देखा ना मणिपुर वगैरह सब थ्रेट में था है ना पब्लिक डिसऑर्डर वहाँ पर पूरा डिस्टर्ब हो गया था वो अलग इश्यूज़ है एल एन सी एल सिक्किम कॉरिडोर सिक्किम का पता आपको चिकन, चिकन, एक, चिकन एक्स कॉरिडोर वो अलग इश्यूज तो है तो ये इंटरनेस सकेडमी आ गया है टेररिज्म डिजास्टर मैनेजमेंट मुझे जगह है फ्लड्स आ गए लैंडस्लाइड हो गया अर्थक्वेक्स हो गए सोनामीस आ गई तो यह डिजास्टर है तो उसको मैनेज कैसे करना है ये केस स्टडी की भी तैयारी करते हैं तो आपको यहाँ पर इमेजिन कीजिए ना अगर आप बेसिकली यूपीएससी ने पूछ दिया एनी वन फ्रॉम बेसिकली ओडिशा हो कौन है कहते तो ओडिशा मधुन क्योंकि ओरिशा के बच्चों को पूछा जाता है यह सवाल एनी क्योंकि मैंने भी दो तीन बार पिछले बार जब मॉक्स लिए थे ना तो पैनल भी पूछता है मैंने देखा ओरिशा इज वेरी मच सेंसिटिव टू तो साइक् सीधा अगर आप वहां के आई एस ऑफिसर हो या आप वहां पे डीएम हो आपको समझ में आए कि दो दिन में या छह घंटे के बाद बेसिकली साइक्लोन आने वाला है बिकॉज ओरिशा इज वेरी सेंसिटिव टू साइक्लोन साइक्लोन प्रोन एरिया है थी ठीक है तो फिर बताओ वॉट वुड बी द स्टेप्स तो जो स्टेप्स रहेगा अब साइक्लोन आ रहा है तो मतलब डिजास्टर आ रहा है अभी आप जो स्टेप्स लोगे वो क्या रहेगा मैनेजमेंट आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस एंड लास्ट पार्ट लास्ट पेपर इज बेसिकली वॉट एथिक्स सिंपल वेरी सिंपल टर्म्स में वॉट डू यू थिंक इज द मीनिंग ऑफ एथिक्स सिंपल सिंपल के सर है एथिक्स शकतो हम लोग नॉर्मल भी कभी भी बोलते ना जो एथिक्स बरबर नहीं, नहीं है वॉट डू यू थिंक सर दिस माइड बी एथिक्स डिसिप्लिन सोसायटी लेसिक ना ठीक है वेरी गुड अजुन हो लेक्सिकॉन अच्छा बता रहे हो हाँ गाइड्स टू अच्छा टू डिफरेंशियल वेरी गुड बताइए नॉर्मली हम लोग तो कभी कभी यूज करते दोस्तों के लिए भी बोलते हैं ना या कभी-कभी खुद को बोलते कभी गलत किया तो यार एथिकली सही नहीं था ये तो थोड़ी बोलते पर्सनलिटी सही नहीं थी हम लोग क्या बेसिकली वैल्यूज ओरिएंटेड आउटकम्स जब इस आउटकम्स को हम क्वेश्चन करते हैं अब जब हम क्वेश्चन करते ना तब आता है the concept of rationality, why, ये, how, ये अब जब यहां पे हम लाते हैं प्रिंसिपल्स बेसिक फाउंडेशंस मॉरलिटी तो जो मॉरलिटी है ना वो एथिक्स का एक फिलोसॉफिकल पार्ट है ठीक वो देखेंगे हम लोग आगे देन डू थिंक इज एंटीग्रिटी दिस इज लाइक बहुत ही इंटीग्रिटी वाला इंसान है ये कहते हैं ना हम लोग इंटीग्रिटी क्या कॉमन समझे का ही संगा बींग एथिकल अकाउंट टाइम तो ठीक है बेटा स्पेस वह ठीक है चलो हाँ स्पेसलाइज में ठीक है और ट्राई कर मित्र वो गुड नेम हाँ हाँ तुम्हें तुम्हें तुमसे चेहरा महत है माला बोल वोसा गुड नेम यश बोलो यश ट्राई कर राइट रॉन्ग छोड़ तू विचार नहीं करे जा राइट रॉन्ग यही पे रॉन्ग हो अच्छी बात है पेपर में रॉन्ग नहीं आना चाहिए वो तो हमारा मेन टारगेट होगा ना यहाँ पे ट्राई तो कर ठीक है अजूँ मागे सीट्स इधर मी माय वे वेर यूर वे एक तो आप बताइए ना पुराने बच्चों को पूछे मैं सीधा पूछूंगा नाश्ता करो आला मैं ठीक है तीन पर बोलो ट्राई कर बेटा सो दिस माइड बी इंटीग्रिटी वेरी गुड अजुन ठीक है पार्टनर हाँ हाँ तुम्हें पार्टनर ऑनेस्टी ठीक है ठीक है ट्राई करो मैडम गुड मानस ठीक है आता कैसे नाउ यू गिविंग राइट मॉरल्स मॉरलिटी सॉर्ट ऑफ ठीक है चलो आगे वाले हाँ नहीं तुमसे मागे मागे हाँ हाँ आप आप मैडम तू नहीं का मार्क्स उसको नॉक कीजिए हाँ नॉक किया ट्राई करो बेटा वॉट्स ए गुड नेम अरे पिता बोलिए ट्राई कीजिए अरे लिखो पर ट्राई कीजिए सर दिस माइट बी इंटीग्रिटी, नो आइडिया अरे ये इलेक्शन नहीं है बेटा एनओटटीए नहीं अपने पास अपना आंसर देना ही देना है ट्राई करा राइट रॉन्ग फरक नहीं पड़े इंटिग्रिटी में थोड़ा मन तो मराठी में इमानदारी संगा मैं इमानदारी बेसिकली जस तो, तो मिला बेसिकली ऑनेस्टी है यस डिसिप्लिन ठीक है अच्छा मैम बुरी है? नहीं आप जुडिशरी बोलोगे आप बताइए नॉम्स एंड वेल्यूज ठीक है ट्राई कर ट्राई करना क्या आते बोलो यू कॉपी पेस्ट उसमें क्या ट्राई कर सॉरी नॉम्स एंड वैल्यूज ठीक है ट्राई करो हम्म 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 हूँ घट गुड। गेथ बिलीव लॉयल्टी हो सकता है है ना फेथ बिलीव ठीक है सेल्फ बिलीफ वगैरह बरोबर है ट्राई करो तू संगस ना हाँ बोलो इंटीग्रिटी ट्राई तो करो उसमें क्या है ऑनेस्टी ठीक है सेल्फ वैल्यूज पार्टनर ऑनेस्टी और अच्छा ऑनेस्टी एवरी कंडीशन अच्छा वेरी गुड डिसिप्लिन है अच्छा अच्छा एक ऑलवेज रेम्बर अच्छा आपने नहीं बताया ना ट्राई करो प्रिंसिपल्स वेरी गुड आपने बताया हाँ तो हेल्पिंग एटीट्यूड अच्छा वेरी गुड सर्विस सॉर्ट ऑफ सर्विस राइट तो दिले है उत्तर तुम्हें इत उत्तर दिल का तुम्हें लोक बोला रैशनलिटी ठीक है रेस्पेक्ट ऑफ यू वेरी गुड ठीक है इतने दिल ना अपन मगे सोसी इंटिग्रिटी मजे क्या ईमानदारी तो है डिफरेंस बिटवीन इंटीग्रिटी एंड प्रोबीटी अतः समझे एथिक्स में दिए ना ये आपके एथिक्स में आएगा इंटीग्री मतलब बोलते ना जो हम लोग बोलते ना कट्टरवादी बोलते हैं ना एकदम करप्ट फ्री उसको इंटीग्रिटी बोलते है नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड बोलते हैं ना उसको इंटीग्रिटी बोलते और आप लोग बोल ऑनेस्टी सेल्फ डिसिप्लिन सेल्फ वैल्यूज सेल्फ इमबिल्ट वॉट एवर डायमेंशन उसको बोलते हैं प्रोबिटी पी आर ओ बी आई टी वाई एकदम ब्लर्ड लाइन है थे। क्लियर है ठीक है चलो एप्टी दो वर्ड आते हैं यहां पे एक तो आता है एटीट्यूड और एक तुमसे एप्टीट्यूड बताइए ट्राई करो वेरी गुड एक्से सी हाउ वी ट्रीट पीपल हाउ वी ट्रीट पर्टिक्यूलर थिंग्स वगैरह आपका जो स्वभाव है

वन इज बेसिकली द थिंग ऑफ इवॉल्वमेंट इवोल्वमेंटेट और इवॉल्व होने के बाद हाउ यू पुट इन ऑन एक्चुअली प्रैक्टिस दैट इज वॉट एटेट्यू समझ में आया आपको ठीक है न्यूज पेपर के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं हे hey, ठीक है है पर्सनल टेस्ट वगैरह वो पहले प्रेर पास हो जाइए बाद में देखेंगे पीटी के बारे में टेस्ट फॉर इफेक्टिव प्रिपरेशन चलो जल्दी से ट डू यू थिंक सर ये तो मैंने लिख दिया है आपको क्या लगता है बेसिकली सर इफ आई वॉन्ट टू मेक माइ प्रिपरेशन इन टू एन इफेक्टिव प्रिपरेशन वॉट डू आई नीड टू डूर सेलिटी आपको पता है ना कि बेसिकली सर मुझे माला एग्जाम काटने मुझे प्रिपरेशन को फ्रॉम प्रिपरेशन से इफेक्टिव प्रिपरेशन की तरफ लेके जाने के लिए बेसिकली वॉट आर दिंग्स आई माइट नीड आस्क यूर से गुड टाइम ठीक है सेल्फ एनालिसिस ठीक हैिटी ठीक है चलो जल्दी से कंसिस्टेंसी ठीक है अजुन डिसिप्लिन ठीक है आप तो बोलना पड़ेगा बोलिए प्लानिंग वेरी गुड चलो लास्ट बेंच फास्ट चलो इफेक्टिव तैरी तो कराई है आता अस नहीं कौन है का पंचवार्षिक नहीं ना वेरी गुड चलो प्लानिंग बोल दिया आपने कंसिस्टेंसी ठीक है एनालिसिस चलो प्लानिंग सॉरी हार्डवर्क व्हेरी गुड स्टॉप प्रोकास्टिनेशन अबाउट वॉट गुड पण बट अबाउट वॉट वॉट इज प्रोकास्टिनेशन बेसिकली नो म इन युअर ओन वर्ड्स मॅ विक युअर आन्सर इज व्हेरी गुड इतर मी घ्याय राहू अजून ठीक आहे अशा स्वप्नात पण जगणं की मी करेल हा स्वप्न लांब लांबपर्यंत पडून देऊ नका मी का नहीं कभी बोला था नहीं वर्ग बेसिकली like, तो, दो तीन तीन दिन, दिन पहले बेसिकली आई आई मेट एन एसपेरेंट बच्ची थी वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में तो समझ में तो यंग चाह पाया वो ठीक है एंड शी शी वाज डूइंग आई थिंक बीएससी बीएससी बॉटनी समथिंग लाइक दैट वो है क्या प्लीज़ रेज योर हैंड ऐसा कोई है क्या यहाँ पे तीस बारे सर मिस होते सर ठीक है तो शी वॉज डूइंग बी एस बॉटनी वगैरह एंड मैंने सब पूछा कि आपके टाइमिंग्स क्या है एंड शी सेड मी की सर मॉर्निंग एट टू इवनिंग सिक्स लहरापन पूरा लांबा है और वहां से यहाँ पे आने के लिए शी माइट टेक लाइक एन आर एक तुमसा। तो अस्थिक गेला तुम सा तो थोड़ा समझ में आ थोड़ा सा अभी भी पच्चीस मेंटिलिटी है वो तो फिर उसको मैंने पूछा कि जस्ट आंसर मी वन थिंग अ, मुझे बेसिकली जस्ट इमेजिन हम लोग रोल्स रिवर्स करते हैं आई एम एन हस्पर एंड यू आर आई मेंटर और उसको मैंने पूछा कि जस्ट इमेजिन दिस मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूँ कि मुझे सी ए भी करना है और साथ में मुझे यू पी एस सी भी करना है समझ प्रश्न का समझदारूपीएससी तैयारी है सी ए पी हाँ तो तो बेसिकली ये आपको समझना बहुत जरूरी है वॉट वेर आर माई स्ट्रेंथ्स जहां पर मैं हंड्रेड परसेंट कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला हाँ देर माइट बी सम थिंग्स जहाँ पे ऑब्वियस है जहां पे मैं बैकफुट पर रहूंगा बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना पांच लाख वाई ओनली थाउजेंड बक्स वाई ओनली थाउजेंड पीपल इन दर क्योंकि उनको पता है कि this, this do, do, और यहां पर खुद को थोड़ा सा बैकफुट के बारे में बताना डज नॉट कॉल फॉर सेल्फ ई गो दैट इज क्लिंजिंग ऑफ सेल्फ ई यूपीसी करता है तुम्हारा ही महतितरजे समझ ठीक है वैरवे अजू आया, क्वेश्चन का होता आप लोग yes. हाँ बलो स्टेप्स यू डि क्या लगता है आपको इफेक्टिव प्रिपरेशन के लिए क्या चाहिए हाँ हाँ वेरी गुड मड़िया आप ठीक है ठीक है डिटर्मिनेशन ठीक है प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रैटेजी प्लैनिंग बराबर है ठीक है अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स वेरी गुड तीस गाड़ी ना सर कंसिस्टेंसी ठीक है यू आन्सर्ड ना बोलो ठीक है वेरी गुड सिस्टमैटिक मैनेजमेंट सांगा सर इफेक्टिव्ह प्रिपरेशन नाही करायची सिम्ल टू सिलेबस ठीक आहे एनी वन ऑट ऑफ दिस असत एनी वन नाही ऑल ऑफ दिस नाही ना राजा असं नाही युपीसी म्हणून हा एन्ट्रीचा दरवाजा आहे हा एक्झिटचा सुद्धा आहे युपीसीला दोन दरवाजे असतात ना राजा आपल्याकडे रिसोर्सेस ठीक आहे प्लानिंग एंड प्रॉपर एग्जीक्यूशन वेरी गुड तो देखो इसका मतलब मोर और लेस ऑल मर्ज हुई थी चादर अभी मैं आपको सबको क्यों पूछा इसका मतलब प्लानिंग कौन नहीं करने वाला यहाँ पे कंसिस्टेंसी कौन नहीं है हार्डवर्क को नहीं है पैशन को नहीं है एम को नहीं है अजुन का सिस्टमैटिक वगैरह होता है? तो है ना अन्य संगी तुझे आंसर माना सो वट एम ट्राइव टू डू ये जो है ना ये ये पांच लाख के पांच लाख बच्चे करने वाला है ये चीजें याद रखना अब ये जो ये वक्त पे हम लोग बात करें ना ट्वेल्व फिफ्टी फोर एट दिस मोमेंट देर आर अराउंड फाइव टू एट लैख स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग ये सो नो एट दिस मोमेंट एग्जैक्ट मोमेंट अगर मैं पुणे की बात करता हूँ पुणे में एट दिस मोमेंट एट दिस वेरी मोमेंट टिफ्टी फाइव देर आर अराउंड वन लैख स्टूडेंट्स वर एक्चुअली प्रिपेयरिंग तुम्हार खरीच लाइब्रेरी है बरोबर है कि नहीं देन वॉट डिटरमाइंस कि सर अगर पाँच के पाँच लाख लोग अगर यही कर रहे हैं सबका यही हो रहा है सो देन वॉट डिटरमाइंस कहीं तरी है ना सक्सेस नहीं मानना बेसिकली बेसिक क्योंकि यूपीसी बोलता है लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट सिलेक्टेड कैंडिडेट सो ई यू आर सिलेक्टेड यू आर नॉट सिलेक्टेड दैट डज मीन नॉट सिलेक्शन डज नॉट इक्वेट्स विथ फेलियर्स नॉन सिलेक्टेड डज नॉट इक्वेट विथ्स अनसक्सेसफुलनेस राइट ये तो क्लियर है यहाँ पे तो फिर कुछ तो होगा ना यहाँ पे ऐसा कौन है तेरी को प्लानिंग जिसके दिमाग में प्लानिंग नहीं है एनी वन प्लानिंग नहीं पर्पस ड्रीम पैशन जो भी है आपको यूपीएस क्लियर नहीं करना एनी वन ओवासी जिसका कंसिस्टेंट नहीं रहना है मुझे यहाँ पे एनी वन ओवर के विदाउट डेडिकेशन विदाउटिनेशन विदाउट डिवोशन ऑल्सो यू कुड बी क्लियरिंग नॉट ओनली यूपीएससी और एनी एग्जाम इन लाइफ देन देर माइड बी वन फैक्टर ना जो शायद से आपको उस पांच लाख के भीड़ से निकाले और उस हजार में रख दे कुछ तो होगा एक पॉइंट क्या लगता है कहीं तरी असल ना विचार करो ठीक तुम्हें क्या मानते है हे जो गोष्टी आते हैं सगे सिलेबस सेल्फ एनालिसिस बरबर है कि नहीं अभ्यास क्लासेस मॉक्स हार्डवर्क वर्क खाली डिवोशन वर खाली डेडिकेशन वर खाली कॉमन सेंस है ना कंसिस्टेंसी ऊपर नीचे हो सकता है वी आर नॉट कंप्यूटर्स राइट के प्रोग्राम सेट कर दिया और बैठ गए हम लोग ऐसा थोड़ी तो होने वाला है पर एक तो कुछ ना कुछ तो फैक्टर होगा ठीक है वेरी गुड वेरी क्लोज परिश्रेन लिंग ठीक है वेरी गुड अप्रोच अजू इतना यू सैर समथिंग का पॉजिटिव माइंड्स वेरी गुड तरह आ रिडो मन तो आप वेरी गुड अजू स्मार्ट प्रिपरेशन ठीक है अजूँ प्लीज प्लीज रेज रेज्यू हूँ रेग्युलर रिविजन्स ओके वेरी गुड अजू इम्प्लिमेंटेशन अच्छा ठीक है अच्छा तुम्हें ओके ठीक है अजूँ सी दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड युअर सेल्फ दिस इज यू आर नॉट टॉकिंग टू मी

उन चीजों के लिए बेसिकली अगर आप इतना ये कर रहे हैं ना यू फील दो दैट मोस्ट ऑफ थिंग तो इमेजिन कीजिए इस ड्रीम के लिए आपका खुद से इस ड्रीम से लॉयल रहना कितना इंपॉर्टेंट है तो ऑलवेज में लॉयल्टी टू योर ड्रीम इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर यू दिस तो लॉयल्टी विल डिटरमाइन ऑल दिस स्टफ determination devotion सगले अनलेस अनडेलप नहीं अगर आप आप लॉयल हो खुद से आपके ड्रीम से इन्स्पट ऑफ ऑल दी पेन सर कंबर दुखत आहे जेवण नीट नाही बसणार पाऊस पडत आहे बसणार थंडी वाजत आहे बसणार बुक्स नाही आहे तर बसणार काही नाही आहे सर आवू शकत मी तरी बसणार ये हे जी स्किल आहे ना बसण्याची कारण मी मॅम फ्रँकडी बोलतो अगर आप भी कसो लागणार की तीन चार घंटे में एक्झाम निकाल निकाल लाइक आय कॅन आय कॅन डू इट दिस इज कंप्लिटली ब्लंडर यू आर लिविंग इन अ डेल्युशनल लाइफ देन आपके जब क्लासेस स्टार्ट हो गए इनिशियली विल बी टू आवर्स ऑफ क्लासेज टू पॉइंट फाइव आवर्स नैटविल इंक्रीज आप इधर या किधर भी जाओ बढ़ेगा वो दो घंटे मतलब दो जीएस के सेशन वहां पे चार पांच घंटे हो गए ऑप्शनल ऑप्शनल तुम तो कमी कमी लेक्चर तीन तास वाचनार दो तास और वैसे हमेशा बोलते भी है ना कि ऑप्शनल के लिए एटलीस्ट चार पांच घंटा चाहिए तो जस्ट इमेजिन दिस इमेजिनाइव आवर्स ऑफ योर ऑप्शनल टू आवर्स फॉर जीएस जीएस वन टू आवर्स फॉर सेकेंड जीएस नाइन आवर्स इज ओनली अबाउट वॉट क्लासेस डू यू रियली बिलीव दैट अटेंडिंग क्लासेस विल मेक यू ऑफिसर्स मैं हमेशा बोलता हूँ क्लास में क्या होता है क्लासेस सिलेबस कंप्लीशन होता एंड डू यू बिलीव दैट सिलेबस कंप्लीशन इज इक्वल टू ऑफिसर मेकिंग नंतर तुम्हें जे बाहर जता ना ते तोरवत इसके बाद आप बाहर जाओगे ना तो वो जो माइंड सेट लेके जाओगे ना प्लानिंग अरे यार ठीक है चलो हो गया सेशन लंच करूंगा सर ने जो पढ़ाया है उसका रिविजन करूंगा थोड़ा पी के देखूंगा थोड़ा एनालिसिस करूंगा रेफरेंस बुक्स पढ़ूंगा हो गया स्लॉट उसके बाद ये करूंगा ये जो प्लानिंग है ना दिस इज ऑफिसर इन द मेकिंग ऑलवेज रिमेंबर ऑफिसर इज नॉट मेड आफ्टर ही क्लियर ऑफिसर इज ऑलवेज मेड ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन ये चीज हमेशा याद रखना आप रैंक के बाद ऑफिसर नहीं होता आप पोस्ट होल्डर होते हो लेकिन जो मन ना ओएल क्यू ओएल क्यू मानिए तुम्हारा ऑफिसर लाइक क्वालिटी क्योंकि जो कहते हैं ना कि सर बेसिकली हमने आ, हमने एक अटम में निकाला दो एटम में निकाला वे डोरस पर यह भी देखे कि उन्होंने कितने साल लगाए उसके पीछे और ये कैलकुलेशन हमने किया है अभी अगर साढ़े तीन सौ टॉपिक्स मेंस के हैं ढाई सौ टॉपिक्स प्रीलिम्स के हैं थर्टी थर्टी फाइव थाउजेंड वर्ड्स हमें लिखने हैं तो उसके लिए मेहनत कितनी पड़ेगी अगर मुझे एक आंसर में पॉइंट फाइव का लीड चाहिए तो दैट इज लीड अगेंस्ट फोर्टीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड नाइनटी नाइन स्टूडेंट्स आप जब लीड की बात करो पॉइंट फाइव चाहिए तो किसके अगेंस्ट है वो या किसके अब आगे है वो 14,999 थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड नाइनटी नाइन आगे की वो लीड है नॉट डू यू रियली बिलीव दैट इतको सो पास ना रहेगा हजार पोस्ट है एग्जाम्पल दीडशे पकड़ लो आई एस बन गए बाकी के साढ़े आठ सौ आपको नहीं लगता वो वापस ट्राई करेंगे साढ़े आठ सौ में से पकड़ लो पांच सौ आप यहाँ पे आ गए इनर की नहीं परत फॉर्म दे ला मैं बत, बताइए फिर तो मतलब जो पंद्रह हजार में से पांच सौ ही आ गए अब बाकी के जो बच्चे है उसमें कम से कम एक दो वाले मेन्स रहेंगे एक दो वाले एंट्री वाले रहेंगे एक दो वाले सीनियर्स रहेंगे काफी ना इमेजिन करो अब मैं पहला वाला हूं यहां पे आई कैन नॉट कॉम्पीट मैं वो नहीं कह रहा हूं लेकिन आपकी कॉम्पिटेंसी तो मैच होनी चाहिए ना उसके साथ मैं clear? तो इसके लिए इसके लिए बेसिकली बी लॉयल टू सेल्फ ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी सुनने के लिए ठीक लगेगा लेकिन बुरा कब लगता है जब दो दो साल के बाद बच्चे वापस मिलते हैं मुझे दो दो साल के बाद एक एक साल के बाद सर बस कसा करूं हाँ हाँ ये होता है दो दो साल के बाद ना बच्चे पूछते हैं कि मैं सर हाउ शुड आई स्टडी एंड आई सिंपली हजम तो एक साल किया क्या दो, दोनों से कि दो साल तो आप आपके बैचमेट के पीछे रह गए दो साल एंड नॉट फॉर फ्रेशर्स यू आर अ फेलियर ये फैक्ट है आपको हजम हो या ना हो फॉर फ्रेशर्स आप सीनियर नहीं हो और एक चीज हमेशा रखना यूपीएससी की फील्ड में सीनियर इज नॉट अ कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज रिमेंबर दिस सीनियर इज नेवर अ कॉम्प्लीमेंट सीनियर इज अ सीनो ऑफ एन अनसक्सेसफुल कैंडिडेट जो अभी भी बेचारा कोशिश कर रहा है यूपीसी में दो ही है ना एक तो सिलेक्टेड नॉन सिलेक्टेड तो सीनियर कौन है जो नॉन सिलेक्टेड है बस इतने है तो नेवर्क कंसिडर है सर और एक कॉम्प्लीमेंट नहीं है हाँ सर तो सीनियर है नहीं वो तो सीनियर नहीं है तो अतवर तो कोरोना शिव भरपूर दिया सीनियर नहीं है सीनियर इज ने कॉम्प्लीमेंट फॉर यू ये चीज हमेशा रखना क्योंकि अभी आप मार्केट में जाओगे ना तो इसका एक अलग सा ग्रुप है समाज में हमारे यूपीएससी के बच्चों में सीनियर्स अंतर बहुत ही एकदम पंद्रह बीस पर वो एंटरटेन किसको नहीं करता और हम लोग क्यों जाते हैं बेसिकली वहां पे कुछ ना कुछ तो मिले एवरी वन एट दिस मोमेंट अभी ये जो पंद्रह बीस बीस पच्चीस बचे एवरी वन आर सेलिंग ऑन सेम बोट हर एक का अपना अपना स्ट्रेटेजी अलग होगा क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पे अगर मैं हर एक का ग्रेजुएशन भी पूछ लू ना तो हर एक का ग्रेजुएशन अलग अलग है हर एक का स्ट्रेंथ अलग है हर एक का वीकनेस अलग है वन माइट बी स्ट्रॉन्ग इन वन वन माइट बी वीक इन वन तो वन साइज फिट ऑल कभी नहीं होता हाँ सुनिए मैं जरूर कहता हूं कि सुनिए बट टेकिंग गाइडेंस एंड हैविंग इन्फॉर्मेशन ये दो अलग अलग चीजें हैं इन्फॉर्मेशन लो ना आप पूछिए इन्फॉर्मेशन लीजिए उसको मोल्ड कीजिए जो मुझे ठीक लगता है मेरे पर्सनालिटी से वो मैं अडोप्ट करके ही लूंगा अगर मुझे आदत है अभी की जैसे कि अभी मैंने हमने कॉल लिया था कि सी किसका स्ट्रॉग है किसका वीक तो बच, है तो मेजोरिटी किसी बच्चे काफी बच्चे हाथ ऊपर किया हमारा बैकफुट है बट देर बेसिकली कि सर थोड़ा सा उक्की -उक्की है बरबर है आप इमेजिन करो जो बैकफुट वाला बच्चा है जो सीसर का अगर वो इसके पास जाता है वो क्या बोलेगा अरे उसने इतना ही पढ़ के निकाल दिया है लेकिन जिसका एबीसीडी एक्स वाइज नहीं पता है उसका कितना क्लियर उसका न्यूमोरिक्स में वो ऐसे ही सीसियर निकालेगा बिलीव दैट है ब्लंडर हमारे फील्ड में क्या होते हैं हम लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं नेवर डू दैट कोई भी हो नेवर डू दैट एवरी वन विल कम यू विल हैव ऑफिसर्स अगले वीक पर भी ईर्षा सर वगैरह ए वेरी गुड फैकल्टी आई थिंक नाइन सिक्स सेवन जुलाई के आसपास ओझे सर आएंगे इंफॉर्मेशन हर कोई देने वाला है इस प्लेटफॉर्म पे लेकिन आपका काम है कि बेसिक उस इंफॉर्मेशन को मैं हाउ वुड आई सरवाइव एंड हाउ वुड आई इनटेक दैट हमें क्लियर थोड़ा सा ठीक है तो बेसिकली हम लोग थोड़ा न्यूज़पेपर्स के बारे में पढ़ेंगे टाइम मैनेजमेंट ऑब्वियस है क्योंकि अगर आपको समय देखा है ना क्योंकि दो घंटे दो दो घंटे के दो दो ऑप्शन हो गए चार पांच घंटे का ऑप्शन होगा तो टाइम में आपको करना पड़ेगा ठीक है रेगुलर रेग्यूलर डेफिनेटली यस ऑलवेज रिम्बर कभी भी ट्वेंटी वन डेज के बियॉन्ड गैप मत रखी है नेवर डू दैट क्योंकि सर मैंने पॉलिटी स्टार्ट किया मैं पॉलिटी पढ़ रहा हूं उसके एंसरिस पढ़ लिया एक महीना उसके बाद मैंने हिस्ट्री पढ़ लिया वो एक महीना फिर ज्योग्राफी पढ़ लिया एक महीना और फिर फिर हमें क्या लगता है कि मैं सर वापस पॉलिटी रिवाइज रिवाइज करूंगा डू यू रियली बिलीव दैट आफ्टर फर्स्ट रीडिंग इन योर लाइफ आप जब चार महीने के बाद वापस वो किताब पढ़ोगे ये सोचते हुए कि आप रिवाइज कर रहे हो इज दैट रिविजन तो रिविजन नहीं इससे मैंने क्या लिखा था दैट इज द फर्स्ट रीडिंग ऑलवेज रिमेंबर दिस तो कोई भी जो गैप्स होते हैं ना ट्वेंटी वन डेज की बियॉन्ड मत रखिए इसलिए हमेशा साइक्लिक साइकिल होते हैं ना तो प्लानिंग ही इस तरह से कीजिए ठीक है नेक्स्ट पॉइंट प्रैक्टिस राइटिंग वो बेसिकली हम लोग करेंगे यहां पे तो उसका टेंशन है स्टे अपडेटेड बट ऑब्वियस ये तो रहना ही चाहिए आपको करंट अफेयर्स तो मालूम होना चाहिए बनाइए परंतु है ना चौकतली पुराना ही दो तीन और कोशिश कीजिए कि वो थोड़ा सा आपके ऑप्शनल से कनेक्टेड हो है ना मतलब ऑप्शनल के ग्रुप में होते हैं ना वैसे तो वो ज्यादा बेहतरीन बै, हो क्योंकि जीएसओ सबके लिए कॉमन है पर मत होता तो कैसे हम बेसिकली अगर ऑप्शनल की अगर करेक्टिविटी गर रहेगी तो जीएस का तो वैसे भी आपका डिस्कशन होगा लेकिन अगर ऑप्शनल भी अगर आपका सिमिलर हो आपके पीयर्स में तो वो एक एडेड एडवांटेज होता है आपके लिए ठीक है प्रॉपर डायरेक्शन एंड मेंटरशिप इसके लिए तो आई विल बी देयर ठीक है थोड़ा ब्रीफिंग कर दो मेरे बारे में आफ्टर टू आवर्स आई एम आर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट इन बॉम्बे हाई कोर्ट दो तीन साल मैंने सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस किया है एंड आई है फोर इंटरव्यूज अंडर माई बेल्ट टू स्टेट सर्विस इंटरव्यूज अंडर माई बेल्ट ग्रुप बी दो तीन बार है मेरा तो उसमें क्वेश्चन है एंड इन दिस फील्ड आई एम फॉर ऑलमोस्ट अ डिकेड नाउ ठीक है आई हैव वर्क विद मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस लेकिन इकरा के साथ काफ़ी सालों से अभी मैं एसोसिएटेड हूँ एंड आपके लिए यहाँ पे बेसिकली आई बी फैकल्टी कम बेसिकली मेंटर ऑल्सो मेंटर भी रहूँगा तो बेसिकली जो भी आपके डाउट्स वगैरह रहेंगे न्यूज पेपर्स आपके आपको मेरे साथ ही पढ़ना है ठीक है हम लोग क्या करेंगे स्टार्टिंग से ही बेसिकली टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं लेके आना है ठीक है तो मैं तुम्हारा संगे कि कस वाचा है माया सोबत बेसिकली मैं इनिशियली स्टार्ट कर दूंगा बेसिकली क्वेश्चन करना है ठीक है क्लियर कंडीशन पी क्यूज आपके पास है पीवा क्यूज मेरे पास है क्लियर सिलेबस आपके पास है सिलेबस मेरे पास है क्लियर नॉलेज आपके पास है नॉलेज मेरे पास है सही है करंट अफेयर्स आपके पास है करंट अफेयर्स मेरे पास भी है स्टैटिक जो है यूपीसी रिक्वायरमेंट वो आपके पास है वो मेरे पास है तो फिर डिफरेंस क्या है यहां पर डिफरेंस ये होता है जब आप पढ़ाई करते हो आप पढ़ते हो फ्रॉम अ स्टूडेंट वर्स्पेक्टिव अगर हमने कोई टॉपिक ले लिया एक एडिटोरियल ले लिया हमने उसको पढ़ा तो आप लोग क्या पढ़ते हो आप एक स्टूडेंट परस्पेक्टिव से पढ़ते हो और मुझे वो चेंज करना है आपका कि वो आर्टिकल आपके पास भी है वो आर्टिकल मेरे पास भी है अब आप क्या आप सोचते हो कि हां ये आर्टिकल आया तो इस आर्टिकल में ऐसे मैं ऐसे में पॉइंटर्स निकालूंगा ऐसा क्वेश्चन आया तो मैं ऐसा आंसर लिखूंगा राइट और मैं वही पूछता तो, अगर वैसा क्वेश्चन नहीं आया तो सो फॉर दिस यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड वॉट आई एम एम ट्राइंग टू थिंक क्योंकि आर्टिकल आपके पास भी मेरे पास भी आर्टिकल है तो डिफरेंट इतना ही है ना कि तुम्हें आंसर सोचता है तो आर्टिकल वाचन मी प्रश्न शोधतो है कि यूपीसी ने हम दोनों के रोल्स क्लियर कर दिया है तो इसलिए इंस्टेड ऑफ थिंकिंग फ्रॉम अ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव यू शुड थिंक फ्रॉम अ पेपर चेकर्स पर्सपेक्टिव एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एस अटैकिंग प्रिपरेशन आप जब खुद के सबसे पढ़ते हो ना दैट इज डिफेंसिव मैकेनिज्म क्या वो एडिटोरियल है क्या वो इन्फॉर्मेशन वाला है अगर वो, अगर वो एडिटोरियल सिर्फ इंफॉर्मेशन ही दे रहा है तो सिंपल सी बात है मेरे दिमाग में आएगा तो इसको तो मैं कमेंट करूंगा डिस्कस बोलूंगा एक्सप्लेन बोलूंगा है ना एक्सप्रेस व्यूज बोलूंगा अगर इसमें आउट ऑफ से पॉइंट इसने पॉजिटिव दिया है इस एडिटोरियल ने खा सा दोन पॉइंट थोड़ा सा नेगेटिव दिया है तो माय डायरेक्टिव चेंजेस इसको मैं एक्सप्लेन नहीं इसको मैं बोलूंगा, बोलूंगा एनालाइज कहा अगर वही आर्टिकल में उसी एडिटोरियल में फाइव प्लस 5 माइनस My डायरेक्टिव चेंजेस ना क्रिटिकली analyze. आपको ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप ये करना सीखोगे तभी तो आप उस एडिटोरियल को उस अलग से पर देखना सीखोगे मगर सर ये कैसे सीखना रहा हमें पी वाई पढ़ो सिलेबस पढ़ो ये टॉप यही करते हैं लेकिन हर कोई बताता नहीं है दिस इज फैक्ट दिस इज नाइन आउट ऑफ टेन ट्रू फैक्ट आपको आपका अप्रोच चेंज करना है आता जस्ट इमेजिन अगर आप ये अप्रोच रखते हो ना तो ये अप्रोच पंद्रह हजार बच्चे साथ में रख रहे हैं लेकिन उस पंद्रह हजार में भी हमें नहीं रहना है हमें रहना है उस एक हजार में या जो टॉप हंड्रेड वगैरह जो भी आपका एम है तो उसके लिए क्या है यू आर सपोज टू यू आर सपोज टू थिंक अरे यही अगर एड मेरे पास होता अगर मुझे इसके ऊपर क्वेश्चन बनाना होता फिर मैं क्वेश्चन कैसे बनाऊंगा तो फिर उस क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट कीजिए उस क्वेश्चन को लिंक करना स्टार्ट कीजिए अभी अर्थ कोई ऐसा टॉपिक है क्या नहीं है लेकिन क्या अर्थक्वेक्स अगर कोई कभी किसी जगह पर भूकंप होता है तो क्या सिर्फ वहां के प्रॉपर्टी ही नुकसान होता है क्या उसका उसका इकोनॉमी डिस्टर्ब है उसका सोसाइटी डिस्टर्ब है वहां का उसका गवर्नेंस डिस्टर्ब है उसका एडमिनिस्ट्रेशन डिस्टर्ब है वहां पे एन का रोल कितना इंपॉर्टेंट है तो आप देखो मैंने पेपर वन कनेक्ट कर दिया पेपर टू कनेक्ट कर दिया पेपर थ्री कनेक्ट कर दिया पेपर फोर कनेक्ट कर दिया मैंने सो दिस दिस इज हाउ यू स्टार्ट टू थिंक ओ वैया हमें क्लियर ठीक है चलो रिसोर्सेज वगैरह वो तो क्लास में आपको मिल जाएंगे चलो न्यूज़पेपर्स हाउ टू रीड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हाउ टू रीड न्यूज़पेपर्स न्यूज पेपर्स टेन मिनट फिर उसके बाद क्यू एंड ए स्टार्ट करेंगे जिसको जाना है बेसिकली आप निकल सकते हो ठीक है चलो ठीक है रिलेवेंस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इसके पहले काम करें पहले ये देखेंगे हम लोग क्या नहीं पढ़ना है इसको क्लटर करो क्या पढ़ना है वो समझ में आएगा सिटी यानी रीजनल न्यूज अगर न्यूज अगर वही पढ़ना है जिसका इंपैक्ट लॉ एंड ऑर्डर पे हो जिसका इंपैक्ट उस गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पे हो या जिसका इंपैक्ट बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर हो तो ऐसे सिटी न्यूज ऐसे रीजनल न्यूज एक्सेप्टेबल एक्सेप्टेबल नहीं उसके बारे में हम सोच सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर है ना काफी सेकेंडरी एंड टर्सरी लेवल का अगर कोई इंफॉर्मेशन आता है सीधा स्किप कर देना उसको पॉइंट नंबर टू एंटरटेनमेंट न्यूज़ जी सवे आस्ते आप आतापर्यंत है परंद पी सोड़ावे लागे पॉइंट नंबर थ्री बॉलीवुड न्यूज़ पॉइंट नंबर फोर न्यूज रिलेटेड टू पॉलिटिकल पार्टीज हेड स्पीच वगैरह वहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको कि उसने क्या बोला कैसे बोला अगर वहाँ पे लिंक लगती है तो हाँ दिमाग में डालना है कि अभी हेड स्पीच बोल दिया आर्टिकल नाइनटीन आ गया आप किसके खिलाफ़ हेड स्पीच दे रहा हूँ तो उसका आर्टिकल ट्वेंटी आ गया तो अब यहाँ पे लॉ क्या बोलता है है ना सडिशन है क्या नहीं है संविधान क्या बोलता है स्टैचूस क्या बोलते हैं वो थोड़ा लिख सकते लेकिन पॉलिटिकल स्पीचेज वगैरह छोड़ दो लोकल शेयर मार्केट न्यूज लोकल स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज वगैरह ये यूपीसी नहीं पूछता हाँ मैक्सिमम क्या है जो स्पोर्ट्स के बारे में यूपीसी ने एक हाँ दो बार पूछा है बट दिस इज वेरी मिस्टेनियस क्योंकि इमेजिन करो ना अगर बारह महीने के अगर बारह मैगजीन की न्यूज है आपके पास उसमें से एक कोई बेसिकली प्लेयर जीतता है तो वेरी लेस चांसेस और यहां पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है जैसा रटाल चमाका जाऊना का यूपीसी इज नॉट अबाउट रटाल रट्टाफिकेशन बोलते हैं ना उसके पीछे जाना नहीं है हमें क्योंकि कितने भी आप कर लीजिए एग्जाम केवल इधर और नो वहां पर एलिमिशन काम नहीं करेगा सीधा आएगा एक तो आएगा या नहीं आएगा सो so, यहां पे आपको सीबीए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के बारे में सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है क्या कमी मी जर का मी हेला इतका वेल डीला है ना अभी आप ओवरऑल पीड़ा मैगजींस पढ़ना स्टार्ट करोगे ठीक है तो मैगजींस में बेसिकली एक सेक्शन आता है एनवायरमेंट का तेजा मध्य कम से कम एवरी मंथ एवरी मंथ कम से कम दुनिया में किसी भी कोने में हर महीने कम से कम चार से पांच नए स्पीशीज मिलते हैं फाइव टू फोर टू फाइव स्पीशीज मिलता कुटे बैठता ऐसे कहा गया जो हमारा वेस्टर्न घाट है ना सैदरिस वगैरह ऐसे कहा गया अभी भी वहां पे थर्टी थ्री थाउजेंड स्पीशीज आर येट टू बी डिस्कवर्ड सैदरीज नॉर्थ ईस्ट तो उससे भयानक है तो इमेजिन कीजिए और उसमें प्रॉब्लम क्या है वो उनको जो नाम होते हैं काफ़ी वो साइंटिफिक नेम्स होते हैं उनके अब इमेजिन करो ऑन एन एवरेज अगर मैं पांच भी पकाता हूँ हर महीने के करंट अफेयर चाहिए आपके बारह महीने के तो साठ हो गए वो अब बटरफ्लाई का स्पीशीज अलग फ्रॉक का स्पीशीज अलग रेप्टाइल्स की स्पीशीज अलग तो प्रैक्टिकली ये मुझे कितना पॉसिबल है और वो साइंटिफिक नाम्स पढ़ के उनके नेम्स पढ़ के कि हाँ ये मुझे याद रहना तो आपको यहाँ पे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है तो अभी चलिए फिर जल्दी से समराइज करते हैं की पॉइंट्स सीधा सिलेबस इसमें क्या करना जैसे हमने ब्रीफिंग किया ना हिस्ट्री तो हिस्ट्री लिख देना आपको वहां पर न्यूज में ही लिखना है अब हिस्ट्री किस में आता है जीएस जीएस में किस में आता है वन टू थ्री फोर वन तो जीएस वन स्लैश एच वो पढ़ने के बाद उस एडिटोर में और क्या क्या इंपैक्ट है क्या वो सोसाइटी पे इंपैक्ट है उसको जोग्राफी में इंपैक्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस में इंपैक्ट है नेबर पे इंपैक्ट है तो यहां पे फिर जीएस वन जीएस टू जीएस आपको वही पे लिखना काफी इंपॉर्टेंट है ठीक है मेन पॉइंट यूज बुलेट पॉइंट फिलहाल के लिए इनिशियली आप न्यूज़पेपर जब पढ़ोगे डोंट मेक सेपरेट नोट्स ऑट ऑफ इट न्यूज़पेपर में मार्क कीजिए तुम्हारा जगह मिलता है ना बेसिकली अभी आपके पास नोट्स है क्या और उसके लिए अलग सा बुक्स बनाओगे तो एट दिस मोमेंट आपको कम से कम दो महीने कम से कम दो महीने तो सिर्फ न्यूज़पेपर ही पढ़ना है ठीक है फोकस ऑन फिगर्स डेफिनेटली बट ओनली दो फैक्ट्स एंड फिगर्स जहां पे एक तो इंडिया का रोल इंक्रीज हुआ रैंक इंप्रूव हुआ है या जहां पे इंडिया का रैंक इंप्रूव होता है ना वहां पे पर पूछता है इंडिया का रैंक वगैरह पूछा है यूपीएससी ने लेकिन जहां पे इंडिया का रैंक अनफॉर्चुनेटली अगर गिर गया तो यूपीएससी रैंक नहीं विचरत यूपीएससी का रीजन पूछता है उसके बारे में तो ये आपको करना है यहां पर और यह अगर मुझे मेन्स का सवाल करना है ना साइट ऑफ द रीजन बिहाइंड करोडिंग नोट बट ऑब्वियस है नोट्स तो current तो में अभी भी कर रहा हूं मत बनाइए रेगुलर रिविजन हम लोग वीकली टेस्ट लेंगे जो वीकली करंट अफेयर होगा ना आपका तो बेसिकली उसमें भी हम लोग स्टार्ट करेंगे कि आप वीकली टेस्ट के ऊपर काम करना चाहते तो इसमें क्या होगा एटलीस्ट हफ्ते में एक बार आपने जो किया हो या ना भी किया हो बट यू यू विल गो थ्रू वंस दैट ठीक है चलो थिंग्स स्टॉर्ड हो गया हाँ ये थोड़ा सा ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना कि सर कौन से कौन से इसमें से क्या क्या पढ़ना है जैसे अगर मुझे पॉलिटी पढ़ना है तो पॉलिटी में से बिल्स एक्ट्स कमिटीज कन्वेंशनस गवर्नमेंट रिफॉर्म्स गवर्नमेंट स्कीम्स ठीक है अब इसमें तो मैं टाइम नहीं स्पेंड करूँगा हम लोग क्या करेंगे टेकिंग कंसेशन टाइम फ्रेम वी विल स्टार्ट द क्यू एंड ए ठीक है चलो ऐसा टेन ट्वेंटी मिनट्स जो भी दस पंद्रह मिनट हम लोग बात करेंगे चलो लेट्स पुट योर क्यू एंड ए गाइस पूछो ऐसा मत कीजिए कि अभी किसके सामने नहीं पूछूंगा सर को मैं केबिन भी मिलूंगा और वहाँ पर बोलूंगा सर आई एम रेडी टू गिव एटीन आवर्स प्लीज टेल मी द स्ट्रैटेजी बिल्कुल नहीं बोलूंगा मैं मैं अभी यही भी कह रहा हूँ आपको यही भी पूछो हो सकता है कि आपका सवाल चार लोगों का भी सवाल हो सकता है यहाँ पर ए लेते हैं बताइए तो आप लीजिए क्या मैं सवाल पूछूंगा आपको बोलो आप पूछिए यस अरे हाँ वेरी गुड सच सच सर सट हंड्रेडी बोलना भूल गया मैं इंपॉर्टेंट तो है टू बी वेरी ट्रू विथ यू इंपॉर्टेंट तो है काम आती का वो भी आपको बोलता हूँ मैंने आपको बताया था ना गाइस कि बेसिकली टेन मार्क्स टेन मार्क्स के लिए हमें कितने वर्ड चाहिए वन फिफ्टी अभी आपने यूपीसी का कभी आंसर शीट देखा है आप लोगों ने है ना नॉर्मल जो हमारा वाइट बुक वाइट बुक होता है एक बुक देने वाला एक मिनट अभी जो नॉर्मली हमारा वाइट बुक होता है है ना आप लोग इसके बाद वाइट बुक्स में लिखोगे ठीक है तो आप यहाँ पे देखो बेसिकली हम लोग पूरा यूटिलाइज करते

उसके ऊपर वो ब्लैंक है उसके ऊपर वो बेसिकली ब्लैंक है ठीक है उसकी जो पेपर क्वालिटी होती है ना उसकी पेपर क्वालिटी बेसिकली होती है, 70 GSM. मुझे पेपर है थोड़ा सा जार थोड़ा सा थोड़ा सा ठीक है आप इमेजिन कीजिए अगर वहां पे अब मुझे कैलकुलेशन करना है कि बेसिकली ये पेज है और मुझे पता है दिस इज अंडर स्टेबल अकॉर्डिंग टू यूपीएस पेज कि एक पेज पे एक बॉक्स में जो यूपीसी का डायमेंशन है वहां पे 90 टू 110 वर्ड्स बैठते है. हैं ऑन एन एवरेज शंबर रुपए कर सरा सरी बेसिकली इसका मतलब डेढ़ वर्ड्स के लिए कितने पेज हो गए डेढ़ पेज हाल की नहीं आता ला? अब ये डिपेंड करता है कि आप वो डेढ़ सौ वर्ड्स आप किस तरह से लिखते हो क्या वो 150 फिफ्टी की वन वर्ड्स लिखते हो क्या उसमें आप डायग्राम्स लेके आते हो है ना क्या आप उसमें इन्फोग्राफिक्स वे में, में पेश करने की कोशिश कर दो नॉट दिस थिंग्स डिफर्स अब इसमें भी इमेजिन कीजिए इसमें भी अगर आपकी हैंडराइटिंग थोड़ा सा बैकफुट पे रहा तो वॉट विल हैपन यू नो माई कंटेंट इज गुड बट इफ दैट कंटेंट इज नॉट रीडेबल टू पेपर चेकर बैकफेर हो गया माई कंटेंट इज गुड बट माई इंटेंशन ऑफ राइटिंग इज नॉट अंडरस्टेबल टू पेपर चेकर जहां पे मैं पॉइंट फाइव ला सकता हूं नहीं लाना तो ब्लंडर मेरी तरफ से होगा ना यहां पे तो सो बात की एक बात हैंडराइटिंग मैटर करता है हम्म हाँ सफिशिएंट 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 अरे नहीं 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 वो थोड़े हैंडराइटिंग ग्रेफोलॉजी अपना वो नहीं नहीं बिल्कुल नहीं 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 बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं रीडेबल रीडेबल यस यस और बोलिए आजों को ना डाउट आयाड रिटिंग को लेके तो हो गया हैंड ये मैटर नहीं करो क्योंकि आप जितना लिखोगे ना अगर पकड़ लगे जिसके हैंडर सर माजी हैंड थोड़ी सी ऐसी है कि है ना कभी कभी तो पब्लिकेशन ही गलत नहीं का लील में कोई टेंशन नहीं साल भर लिखने वाले हो आप हो। फैक्ट है सो है ना बहुत अच्छे पॉइंट पर्ण लेकिन दैट दिस दिस कंसर्न शुड बी अ सेकेंडरी कंसर्न मैं वो कह रहा हूँ दिस कंसर्न शुड बी अ सेकेंडरी कंसर्न कंसर्ट उसका टेंशन मतलब आप वो होगा वैसे क्योंकि आप जब वीकली पेपर्स पे वीकली टेस्ट हो गए ना आपके तो मैं जो पेपर चेक करूंगा तो मैं आपको वन टू वन बोला कि आपको बेसिकली मैं बताऊंगा क्योंकि है ना ये थोड़ा सा यार आप ही बताओ क्या लिखा है तो इसमें कोई इश्यू नहीं रहेगा ठीक है अजूँ बोला हाँ हाँ अरे बाप रे हाँ वेरी नाइस है बग जगह तुम मैं प्रश्न विचार रिफ्रेम करूँ क्यों सर ऑप्शन हाँ एक्सवा चाले लिखा तो चलता है बिकॉज इज अ लिस्ट ऑफ ट्वेंटी सिक्स कुला ही घया चलते है मैं मजसा मैं अभी मिलल ना कि टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम कभी ये ऑलवेज रिमेम्बर प्रिलिम्स हमारा होता है प्रिलिम्स के नंतर प्रिलिम्स के बाद जो मेन्स का डेट होता है ना एग्जाम्स का उसमें ऑन एन एवरेज एक से पांच से एक से दह दिन आता ठीक है गॉट दिस पॉइंट अब इमेजिन कीजिए अगर आज आपका प्रिलिम्स क्लियर है आपको कहते हैं ना कि है ना सर मेन्स का फॉर्म भरा अपने सो टुमॉर यू स्टार्ट राइटिंग आती मैं जी का इन योर एंटायर हंड्रेड डेस्क डेज का जो आपका पीरियड होता है उसमें हम रेगुलरली मार्क्स लिखते हो ठीक है जी अब उसमें मार्क्स लिखते हो आप जीएस के भी, के भी लिखते हो अभी आप ऑप्शनल के भी लिखते हो अभी ऐसा भी तो होता है कभी कभी कि इस प्रिपरेशन में हमारी थोड़ी प्रिपरेशन पेंडिंग हो जाती है जो हम लोग डिसाइड करते हैं कि सर प्रेम चाहर मी क्या सिलेबस वाचू गई बराबर है कि नहीं अद हजा जर का तुम्सा ऑप्शनल थोड़ा सा वेगड़ा ना जसं लाईक ॲग्रिकल्चर थोडासा वेगळा असला मग तो तिथं थोडा इश्यू येतो नॉट वेदर दॅट ऑप्शन इज गुड और बॅड हा जे टाइम मेल मी लिंक नाही करू शकत जास्त आधी कर फॉर एक्झाम्पल सोशियोलॉजी आहे हा सोसायटी वाचत नाही इथे सोशल जस्टिस वाचत नाही एथिक्स बऱ्यापैकी कवर होतं पी एस आर आय असेल तर पेपर टू कवर होतो हे कुठं ना कुठं टाइम कन्झ्युमिंग जास्त होऊन जातं सॉरी टाइम टाइम सेविंग होतं इथे इथे फक्त कसं होतं जगा तुम्ही वेगळा ताँ घेतला ना ऑप्शनल कोई इशू नहीं है ले सकते हो थाउजेंड परसेंट पर हे जी मैं मन तो है कि जो टाइम्स अपने सेव कराता है तो थोड़ा सा मैटर होता बाकी का नहीं है यानी बेसिकली अगर ऐसा कोई हो यहाँ पे कि सर बेसिकली मेरा ऑप्शन थोड़ा सा जीएस से लेस कनेक्टेड है हो सकता है ना ऐसा यहाँ पे तो एटलीस्ट मेक श्योर यू आर प्रिपेयरिंग दैट स्टफ फॉर वन पॉइंट फाइव ईयर्स अठारह महीने तुम्हें स्वतः वेट दिया मग उसके बाद फिर सोचिए अटेम देने का ये भी मैं फ्रैंकली बोलता हूँ आपको क्योंकि ड्यूरिंग माई ऑप्शन मतलब जब मैं ऑप्शन का भी सेशन लेता हूँ उसमें मैं क्लियरली बोलता हूँ दिस इज ऑलवेज रिकमेंडेड रिकमेंडेड इट इज दैट हो सके तो ऑप्शनल थोड़ा सा जीएस कनेक्टेड लीजिए हो सके तो ये कंपल्शन आएगा सर कंपल्शन बिल्कुल नहीं है बट वही है प्रिपरेशन एंड इफेक्टिव प्रिपेर ऐसा थोड़ी कि सिर्फ एक ही ऑप्शन से ही निकलता है करू करू तो थोड़ा वेल दवा लगे कारण की वेन यू एंटर दैट स्टेज ना कि जब सर नहीं मैं जीएसबी मैनेज करूंगा और मैं ऑप्शन भी मैनेज करूंगा तो यू शुड एटलीस्ट मेक श्योर कि आपने उस ऑप्शन को एक साल दिया है तेवर अपन एक लेवल अचीव करते नहीं तसा तो तो है हाँ, दे सो फर्क नहीं पड़त इवन इफ इनके इसका कम्प्लीट यूर डिग्री यहाँ पे थोड़ा एनालिसिस कीजिए कि माय माय सिलेबस ऑफ माई, माई ग्रेजुएशन तू तो बी एस सी एग्री के ना एग्री कर सिलसूँगे इथं ऑप्शनलचा सिलेबस पाहून तो पहा पा। किती मॅच होतो आहे नंबर वन नंबर टू काही मॅच होईल काय मॅच नाही होणार मग जो मॅच होत नाही आहे त्याला किती वेळ लागेल कम्प्लीट करायला आणि जो मॅच होत आहे त्याचे मी ग्रॅज्युएशनमध्ये द नेचर ऑफ क्वेश्चन्स आय हॅव अटेम्प्टेड अँड यू पी सी का नेचर ऑफ क्वेश्चन्स काय ते मॅच होतात ते का होता हे पण पाहावं लागेल ना तुला तसं थोडीशी काळजी घे बिकॉज सी जसं की मी बारे बारामे बोलतो ठीक आहे कॉमर्स ग्रॅज्युएट आई डिट माई बी कॉम उसके बाद बेसिकली आई डिट माई एम कॉम उसके बाद एम डे एम इकोनॉमिक्स उसके बाद मैंने नेट सेट किया ठीक है बट थ्रू आउट माई जर्नी आई हैड जोग्राफी ऑप्शनल नॉट बिकॉज आई लव जोग्राफी बट बिकॉज आई फ्यर इकोनॉमिक्स अच्छा ऐसा मैंने किसको बोला भी था ये परसों आई थिंक आपको बता दें क्यों मैं आपको बता रहा हूँ एनी कॉमर्स ग्रेजुएट हो गया? मतलब कौन आएगा कॉमर्स वाले अरे वाह है सर वा, ठीक है अभी इनको समझ में आएगा तीन वर्ष बराबर है सहा सेमिस्टर्स राइट तो एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं एक सेमिस्टर में एटलीस्ट फाइव तो सब्जेक्ट्स होते हैं मतलब सहा सेमिस्टर में टोटल कितनी सब्जेक्ट जाए तीस इकोनॉमिक्स इन तीन साल में छह सेमिस्टर्स में एक सेमिस्टर का एक पेपर है जो भी साठ मार्क का माला मैं तुम्हें कसा पास होना रहा नाउ कैन आई कंपेयर दिस सिक्सटी मार्क्स का पेपर विथ फाइव हंड्रेड मार्क्स का यूपीएससी पेपर अंडरस्टैंडिंग दिस मैं कभी होत नहीं सक्य बेसिकली है ना कि मैच ही होगा क्योंकि हमारे कॉलेज में कैसे होता है आई आई हैड सिक्सटी मार्क्स आई डोंट नो आता कितनी मार्क्स तुम पेपर है मेरे वक्त सिक्सटी का था उसमें भी ट्वेंटी एमसी क्यूज थे अभी एमसी क्यूज तो ठीक है फोर्टी मार्क्स में लिखने चाहिए थे चार क्वेश्चन उसमें से पासिंग दो क्वेश्चन कॉमन सेंस है तो अगर कोई बंदा टॉपर भी होता है मेरे क्लास का तो आउट ऑफ स्कोर लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल जो मुझे प्रॉपर अभ्यास हुआ है ठीक है यूपीसी में आपने बताया मुझे ऑल इंडिया रैंक वन कितना है तो ये तो मुझे समझना चाहिए ना यहाँ पे ये मुझे डी करना आना चाहिए यहाँ पे तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बोलो तो थोड़ा सा तुम्हें पहान गया था परसेंट यस पण मग थोडा वेळ दे थोडासा असं वाटलं कारण ॲग्रीकल्चर ऑप्शन मोठा आहे ना आता इमॅजिन कर तुम्ही आता इफ इन केस तुम्ही क्लास लावला ला, इफ इन केस ठीक आहे आणि इमेजे केस साठीचे पंधरा वीस दिवस एक महिना जीएसओ आपला एक सिंगल सब्जेक्ट चालला ओव्हर पिरियड ऑफ टाईम दोन सब्जेक्ट झाले अडीच आणि अडीच पाच तास तुमचा ऑप्शन तुम्ही स्वतः वेगळा करणार तर दहा तास पाच तास दहा तास इकडेच झाले क्लासचं रिव्हिजन कधी करणार ऑप्शन रिव्हिजन कधी करणार ऑप्शनल माझा वेगळाच ह्याचं कनेक्शन तु इथं काय होत नाही आहे थोड़ी सी एनालिसिस करवे उस पर देन टेक असमान में करेंगे आज की तारीख के लाइव कुटला ही ऑप्शनल ना है ना अगर फैकल्टी भी पढ़ाता है ऑप्शनल को इवन द फैकल्टी टेक्स अराउंड मिनिमम सिक्स मंथ्स फैकल्टी पढ़ाने में लगाता है ये नहीं कर रहा ऑप्शन खत्म होता है तो फैकल्टी है ना वो कंप्लीटर से इन उसके बाद, फिर एक्चुअली आपकी ऑप्शन की तैयारी स्टार्ट हो जाती है कहीं कल्यार तुम जो तैयारी है ना इतें तसा है तो ठीक yes, hey, yes. तो है यस एनी मोर क्वेश्चन हाँ बोलिए ओहो क्या बात है टू डे सेल्फ कॉमन सेंस है बिकॉज देखो ये तो पता होगा आपको देर इज नो टुमारो हमें पता देर इज टूडे ओनली

स्टार्ट टू डेट सेल्फ ठीक है बिकॉज अगर मिनिमम आइटम्स में निकालना है तो उसके लिए बेसिक तैयारी दो साल की डेढ़ साल होगा जीएस वन इप्शनल सिक्स मंथनल पकड़ लो होगा यहाँ पे डेढ़ दो साल और वो भी कप जब आप लोग कहा ना इंटीग्रिटी एथिक्स कंसिस्टेंसी तुम्हें मोटे गोष्टी के ना मगर जेव तुम्हें बारह तास करना તેમાં اكو તો તે મિનિમમ નંબર ઓફ એટમ્સ મે એને મને કે 1 2 પણ એ નકી મિનિમમ નંબર ઓફ એટમ્સ તબ જાકે વો બનતા હૈ યે યાદ રખના તો ધીસ ઇઝ વેરી ડિફરન્ટ નાવ અગર કોઈ बीए કા બચ્ચા હે ઠીક હે અગર કોઈ આઈએસ ઓફિસર બન જાયે જેસે ઇસ બાર કે જો સર થા આઈએસ ઓફિસર ઠીક હી વોઝ એન આઈએટીન રાઈટ યે જો આઈએટીન આઈએપીએસ તો નહી કે વો આઈએટીન ભી થે વો સર હે ના ઇસ બાર કે જો ઓલ ઇન રેન્ક 1 હે ઠીક હે આપ ઈમેજિન કીજો અગર વો સર ઉનકો એપ્રોચ બતા રહે હે तो आई आई टी एन डज नॉट नीड्स एनी इंटलेक्चुअल इंट्रोडक्शन लेट्स बी वेरी ट्रू वो यो एंड तेजी वीडियो बताता है बी ए चा पोर्ग एंड आई नॉट मॉकिंगट मेकिंग वट एम ट्राइंग टू से उसका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है और जिस लेवल में उसने तैयारी की है क्या ये बी ए का बच्चा कर मैं ये नहीं करूँगा नहीं कर पाएगा लेकिन कुछ वक्त तो लगेगा यहाँ पे अब उसकी स्ट्रैटेजी उस अलग होगी उसने जिंदगी का भी उसने सिसर को हाथ भी नहीं लगाया होगा लेट्स बी वेरी ट्रू बेसिकली मैं दावी ने तो मैथ बगित तो नहीं आशा मे माजा लेकिन प्रॉब्लम क्या था वी ट्राई टू तो कॉपी पेस्ट दैट पर्सन और यहाँ पे ही इशू होता है इससे मैं हमेशा कह रहा हूँ हु आर यू फॉलो फॉलो द इंफॉर्मेशन नॉट द इंस्ट्रक्शंस क्योंकि वन साइज फिडल ऑफ्रोच किसी को नहीं होता यहाँ पर हमें क्लियर एनी एनी मोर क्वेश्चन बताइए बोलो तो आप जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए सेकेंड ईयर है ना आपका अभी स्टार्ट हुआ रहेगा शायद से डूइंग फ्रॉम पुणे ओनली कहाँ से हो अच्छा ठीक वेरी गुड तो अच्छे ऑप्शन कुछ डिसाइड किया है क्योंकि आपका ऑप्शन तो कुछ कनेक्टेड है नहीं यहाँ पे है ना सो अगर आप फाउंडेशन स्टार्ट करते हो एनसीआर थोड़ा दो तीन महीने जाने दीजिए यू विल अंडरस्टैंड कि सर कौन सा सब्जेक्ट मेरे लिए मो कन्वीनियंट है एंड पिकअप क्योंकि आपके लिए ट्वेंटी सिक्स की अगर लिस्ट भी रख दे एवरी थिंग इज न्यू फॉर यू कुटलाई क्वेश्चन लगा कॉमन सेंस तेला वाला रहतेवे और बोलिए एनी क्वेश्चन हाँ बोलिए मैम दॅट डिपेंड्स ना सी आपण क्वेश्चन डिस्कस करू इमॅजिन करो की एक्सप्लेन दी अॅडव्हान्टेजेस ऑफ पकडलो वर्कॅनिझम ठीक आहे हा एक क्वेश्चन झाला आणि इमॅजिन करो की समझती है ना सर मैटर करती है ठीक <laughs> है समझ में आ रहा है आई रीड एक्सप्लेन दर्कें एडवांटेजेस ऑफ ठीक है एंड इट्स इंपैक्ट ठीक है अब अंडरस्टैंड कीजिए यहां पे यहाँ पे क्या बोल दिया ठीक है advantages. अब ये क्या है? मैंने बोल दिया ये क्या है? एक्सप्लेन क्या हो गया आपका डायरेक्टिव बरबर है बेसिकली मेन डिमांड का एडवांटेज तो मेरा आंसर का अप्रोच क्या होगा माय इंट्रो विल बी बेसिकली स्टार्ट विद एडवाटेज अब ये एडवांटेजेज मैं पॉइंट में लिख सकता हूँ लेकिन यहां पर नहीं लिख सकता ना मैं यहाँ पर क्रिटिकल एनाल में तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा अप्रोच चेंज करना पड़ेगा तो ऐसा नहीं है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द क्वेश्चन तो थोसा है पर मोस्टली उसमें होता है कि थोड़ा सा अगर पॉइंटर्स में लीक हो गए तो, तो दैट मुक्स मोर लूसिड तो थोड़ा क्लियर दिखता पैराग्राफ मैंने कैसा देखा पैराग्राफ में फिर वो डिटरमाइन करता है कि आप तीन लाइन का लिखते हो चार लाइन का लिखते हो आपकी हैंडिंग कितनी बड़ी है अब पे मेन वर्ड्स कितने हाईलाइट कर पा रहे हो आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस एंड इफ इन केस इफ यू कैन पुट दैट पैराग्राफ इन टू पॉइंटर्स डू दैट हा परंतु के सर में इसको पैराग्राफ में कैन आई राइट इंट्रोडक्शन इन पैराग्राफ पॉइंट ऑफ फॉर्म नहीं ना कैन आई राइट ए कंक्लूजन इन पॉइंट ऑफ फॉर्म नो तो जहां पे नहीं लिख सकता वहां पे पैराग्राफ इज ऑलवेज सुटेबल लेकिन जहां पर हो सकता है लिखो ना पॉइंट में अच्छा लगता है वो तो दैट डिटर्म नेचर ऑफ द क्वेश्चन हो गई क्लियर है ठीक है ओके अजुन बोलिए क्वेश्चन के बारे में ही आ रहे हैं आंसर्स और आंसरिंग के बारे में दो तीन हो गए डिस्कस बोलो तुम काम तो बस चालू है चालूच से गुड अच्छा बोलिए और लेट कम उशीर तुम्हारा उशि बोलो अच्छा यहाँ पे कोई प्लान बी के बारे में सोच रहा है पहले दिवसी एनी वो अच्छा जो एक बात बोलता हूँ प्लान के बारे में जरूर सोचिए लेकिन कब सोचिए जब आपने सिंसियरली एक से दो आइटम दिए होंगे सेंसियर मनते वर्ग में सिंसियर मन क्या लिटरली दिन रात मेहनत करने के बाद आप इमेजिन आप आप आपकी जर्नी स्टार्ट करोगे राइट एंड फॉर एग्जाम्पल वी कंसिडर दैट हम लोग ट्वेंटी फाइव आइटम दे रहे हैं ठीक ठीक है हमने स्टार्ट कर वी आर स्टार्टिंग इन द मंथ ऑफ जून ठीक है जून जुलाई अगस्त से अक्टूबर नवम्बर डिसंबर जैन फेब मार्च अप्रिल मे अजून बारह महीने आते हैं आपके कॉमन सेंस इसका मतलब जो प्रीयियम्स आएगा तो वो बारह ट्वेल्थ मंथ में ही आएगा तो इसका मतलब ट्वेल्थ वी विल भी प्रीपेरिंग फॉर्म्स कदम निकता है फेब्रुवरी आप देखोगे फेब्रुवरी में देर विल बी अराउंड ट्वेंटी फाइव परसेंट ऐसे बच्चे मिलेंगे जो ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है या फ्त ग्रेजुएट जाले है ना और वो क्या बोलेंगे मैं ट्वेंटी वन ईयर्स का हूँ ना अकली भाग नी फॉर्म भरना फिफ्टी रुपीज का फॉर्म है फॉर्म भरते हैं तीन महीने में, में तैयारी करते हैं तीन महीने में, में तैयारी करता आने में पर्ल देता वॉट इज द आउटकम ये समझ लो ये एक आउटकम हो गया और आप लोग जो आज से स्टार्ट करोगे बारह महीने के लिए बारह बारह घंटे घिसोगे तब जाके अटेम्प्ट दोगे और अनफॉर्चुनेटली अगर वहां पे कुछ रिजल्ट नेगेटिव आ गया कैन आई कम्पेयर दिस टू नेगेटिव रिजल्ट कैन आई कम्पेयर दैट तो जब मेहनत करने के बाद पूरा दिन रात करने के बाद जब रिजल्ट अनफॉर्चुनेटली जब नेगेटिव आता है दिस इज एक्चुअली दी फर्स्ट स्टेप टूवर्ड सक्सेस ही फेल्यूर होता है तो फेब्रुवरी में फॉर्म भरला है मार्च मध्य एनसीआईटी आप्रिल अब्या चालू के मे मधे सी सी आई टी बुक्स बगत है अन्य नहीं सर पहला अनुभव था सर मेरा फेलियर था लेकिन ये मेरा यशो ना यशस्व होना चाहिए पहली मार्ग ये गलत है और यही होता है नेवर नेवर डू डू दिस दिस के सर अटेम्प्ट अटेम्पन पहा तो याद रखना जो आप जो सेमिनार्स में देखते हो ना बड़े बड़े ऑफिसर जो आते हैं ना याद रखना ये पोस्ट निकलने के बाद ही स्टोरीज बनाते हैं ये चीज हमेशा याद रखना तब तक सबके स्टोरी सेम है सबके स्ट्रगल सेम है ऑलवेज रेम दिस स्टोरीज आर नेवर मेड ड्यूरिंग द प्रोसेस स्टोरीज आर ऑलवेज मेड आफ्टर द रिजल्ट ओनली ये चीज हमेशा याद रखिए अगर होता ना कि बेसिकली अगर कोई अनसिलेक्टेड कैंडिडेट हुआ अगर बोलता है यार मैंने बारह घंटे पढ़ने के बाद भी नहीं हुआ आप नहीं मानोगे लेकिन अगर कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट बोलता है कि मैं दो घंटे पढ़ने के बाद होता है दो घंटे पढ़ने के बाद भी मैं हुआ तो वी ब्लाइंडली फॉलो दैट एंड वी ब्लाइंडली बिलीव दैट क्योंकि थोड़ा वो साइकोलॉजी हमारा साइकोसिस वैसे ही होता है पर कभी आप भी सोचे कि क्या ये सब हो सकता है ऐसे ये तो ये हो गया ना कि सी का एग्जाम तीन घंटे में निकल दिया या नीट अभी नीट का देखो क्या इशू हो, हो रहा है एनी वन प्रिपेयर फॉर नीट होनी वन जिसने तैयारी की हो लेकिन नीट टफ है हमें भी पता है ना आई कैन टफ आता जर का मान लो कि मैं दो दस में नीट काटो रोज अभ्यास करूँ होना आई कथे बोलने जो गोष्ट दिस वट एम टेलिंग यू बोलने की ये बात है डोन्ट बी इन दैट कैटेगरी नेवर बी इन दैट कैटेगरी क्यों तोलते है ऐसे इंसानों से एग्जीक्यूशन नहीं होगा स्टे योर सेल्फ कीप योर सेल्फ वेरी मच अवे फ्रॉम सच वाइब्स वाइब्रेशन कंपनी बहुत सही किसी बड़े बुजुर्ग ने कहा हुआ ना कि आपके संगत से ही है ना आपका यह समझ में आएगा दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट आपकी फील्ड में तो मैटर तो करेगा मतलब देर जो कलीग्स होबल से कि नहीं आज नहीं जाएंगे देर विज समीग्स नहीं आज ही जाना है हा फर्क यू शुड नो और मैं क्लियरली बोलता हूं

एटलीस्ट डू दिस फॉर इनिशियल फिफ्टीन मंथस एक बार आपको समझ में आता है ना कि हाँ क्या करना है देन द थिंग्स बिकम डिफरेंट बट इन दिस प्रिपरेशन स्टेज डोंट फॉल एन दस यू नो कन्वीनियंट एंड कंफर्ट पैक गड़बड़ हो जाएगा पूरा हा मै कलियो ठीक है एनिमो क्वेश्चन फ्रॉम यर साइड गाइस चलो सकाना भूखा लग रहा है पटपट बोलिए एनिमो क्वेश्चन नो क्वेशन्स एनी क्वेशन्स नो बोल हा ठीक माय सेल्फ ओपिनियन नीट्स दॅट आल्सो डिपेंड युअर अपॉन द क्वेश्चन आता तिकडे सांगितलं ना एक्सप्रेस युअर व्यूज अबाउट एक्सपायड मग तुम्हाला व्ह्यूज मानणं नंबर वन नंबर टू योर बैलेंस्ड अप्रोच यू कैनॉट हैव एक्सट्रीम मतलब एकदम सगर्स बराबर नहीं और सब एकदम नेगेटिव एक पर एक बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए क्योंकि अभी ऐसे लिखा जाता है ना कि गिव लाइक कमेंट एंड गिव यू एक्सप्रेशन योर ओपिनियन तो यहां पे यही पूछा जाता है उनका मतलब कि आपको दो एक कोई भी टॉपिक का आपका प्लस और माइनस दोनों को मालूम है एंड अल्टीमेटली इन स्पाइट ऑफ नोइंग ऑल द प्लस एंड माइनस यू आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड अ पॉजिटिव वे आउट एंड हे होनर तुम सब बिकॉज अभी क्या है रीडिंग नहीं है आपका आप जितना पढ़ोगे बार बार अभी मैं जी कहो रहा पढ़ोगे जोग्रफी पढ़ोगे इको पढ़ोगे साइंस पढ़ोगे जब भी सब जब सब्जेक्ट पढ़ोगे ना आप और जब आप इंटरलिंक करना स्टार्ट करोगे तब जाके आपके ओपिनियंस बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है देन्यना सर फिर हम लोग जब डिस्कशन करते हैं कि सर मेरा ये व्यू है इफ यू माइट बी करेक्ट सही है लेकिन मैं बोल और गुड नेम प्रथम तो यहाँ पे अगर कभी लगता है मुझे कि हाँ प्रथम हाँ थोड़ा सा एक्सट्रीम चल रहा है तो यहाँ पे चेकआउट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्या होता है पता है क्या जो व्यूज वाले आंसर होते है, हैं दिस आर कंप्लीटली सब्जेक्टिव आपके हिसाब से आपका व्यू ठीक है लेकिन अगर मैं पेपर किसी और व्यू का हो तो समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे तो दोनों में फिर दोनों में कॉमन क्या रहेगा एक मिडिल पाथ ही कॉमन रहेगा तो दैट इज इंपॉर्टेंट होव यूल्व होता है विषय नहीं कैसा तो इवॉल्व होना तुम सीन से साढ़े तीन से टॉपिक वाचा नस डेलप होता तुमसे क्योंकि आप सिर्फ न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ोगे आप मैगजीन्स पढ़ोगे है ना डिपेंडिंग अपन यो ऑप्शनल उसके मैगजीन्स पढ़ोगे आप योजना कुरुक्षेत्र कभी पढ़ा है मैगजीन्स के बारे में योजना कुरुक्षेत्र पढ़ा है कि आप लोगों ने तो ये आपको पढ़ना है बिकॉज दिस आर ओपिनियन ये आपके व्यूज़ बिल्डअप करने में काफ़ी मदद करता है तो सोना तसना ठीक है अजूँ बोलो का डाउट नहीं क्या बोलना का क्या बोलो सब

प्रिमच्या पी टीच्या वेळी सॉरी पी टी पीटीस म्हणतो ना तू पी टी तुम्ही दोन तीन न्यूजपेपर्स वाचता अँड दॅट यू स्टार्ट तिथं आपण ॲक्च्युली पर्सनॅलिटीवर काम करायला चालू करतो म्हणजे काम करतो ना राजा कारण की इमॅजिन करू ना आप मेन्स क्लिअर्ड हो तर इसका तो एक इट्स अ क्लिअर इंडिकेटर दॅट यू आर मेंटली इवॉल्व नो बरोबर आहे की नाही कारण की कोणी मेन्स क्लिअर असंच होत नाही सतराशे पन्नास मार्क नाईन पेपर्स आणि हो ते पण थर्टी थाउजंड वर्ड्स असंच कोण पास होणार ला। आहे का पाच लाख पंधरा हजार पंधरा हजारमध्ये पाच हजार तू त्या पाच हजारमध्ये चाल म्हणजे म्हणजे रेशू कुठे गेला पाच लाख कुठे आणि पाच हजार कुठे आहेत पण त्याच्यामध्ये कसं तुम्ही असं तुम्ही इव्हॉल्व होऊन जाता आणि मग बेसिकली वेन वी हॅव मॉक्स आहे आता मी बेसिकली मॉक मेंटेन तुमचं करतो मग तुमचं डॅफ तुमचं बायोडेटा तुमचं बेसिकली अचिव्हमेंट्स असेल नसेल मग तयार आपण काम करतो वॉइस मॉड्युलेशन वगैरे दॅट इज अ पार्ट ऑफ अनदर प्रोसेस आत आजच्या मोमेंटला इतकंच डिस्कस विचार करायचा की सर मीन्स काढायची आपल्याला बिकॉज uh, मेन्स का प्रिपरेशन या इंटरव्ह्यू प्रेम्स अँड मेन्स का प्रिपरेशन इंटरव्यू प्रिपरेशन हे थोडीशी वेगळी आहे कनेक्टेड नाही आहे थोडीशी वेगळीच आहे ती प्रेम्स अँड मेन्स ही कनेक्टेड आहे इंटरव्ह्यू खूप वेगळी जाते पुस्तकाला हात लावत नाही तिकडे फक्त तू काय करतो बिलीव्ह मी आउट ऑफ थ्री आट ऑफ थ्री कम्प्लीट दोन दोन ते तीन तास तुम्हाला मी मिररिंग सांगतो मिरच्या सामने भेटो स्टेट अँड स्टेट पोझिशन हेड मुवमेंट आई मूवमेंट लिफ मुवमेंट वॉइस मॉड्युलेशन हाऊ यू ग्रीट दी फॅकल्टी गुड मॉर्निंग वेगळं असं गुड मॉर्निंगला एनर्जी एकदम हाय पाहिजे आहे गुड आफ्टरनून थोडीस इनर्जी डाऊन असते गुड इव्हनिंगला विथ स्माईल कारण मी थकलो आहे पण तरीही मी छान इंटरव्ह्यू देतो हे खूप फरक पडतो मग ते होणार पीठ तसं एवढं हे आता विचार करू नका टू बी व्हेरी इंटरव्ह्यू विथ यू इट्स अ पार्ट ऑफ ते आउटकम आहे ते जे आहे ना ते आउटकम आहे आणि तुम्ही असं वाटा असताना की सर ते तीन चार महिन्यामध्ये होतं का होतं बिकॉज तुमच्याशी तुमच्याशिवाय तीन चार महिने बट इंटेलेक्चुअली तुम्हें आज पास जाता है फिर फरक इतना प्रिलिम्स मेंस डिस्क्रिप्टिव इंटरव्यू वॉट डन इन डिस्क्रिप्टिव एंड मेंटल युअर पे आप ओवरली बात करते हो डि बोलो हाँ बोलिए श्यु श्युअ श्यु सके कॉलिंग फॉर द डे गाइस लाइस नो मोर डाउट्स तो नेक्स्ट तर आय थिंक आज संडे ना नेक्स्ट सॅटर्डे को इर्षाद सर त्यांचा बेसिकली प्रलेम सॅन मेसो म्हणजे ते डिटेल्ड सांगतील तुम्हाला अजून त्यांचासुद्धा वर्कशॉप आहे आय थिंक इलेवन ओ क्लॉक ओनली आणि ओझा सरांचं लेट्स ओझा सरांचं कधी आहे हां ओझा सरांचं तेव्हा आहे तर तुम्ही तेव्हा येऊ शकता हा मॅ क्लिअर ठीक आहे एंड बेसिकली थोडासा बॅचेस आपको कमी स्टार्ट वर बताएंगे आपको एंड बेसिकली आय विल बी दे जो जहीद सर का ऑफिस है चेंबर है उसके बगैर में मेरा मेंटरिंग का चेंबर होगा बेसिकली आई विल बी देयर फ्रॉम लाइक मॉर्निंग एवन ओ क्लॉक टू लाइक इवनिंग एट ओ क्लॉक सो रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन योर स्ट्रैटेजीज इंस्पायर्ड बिंग अ पार्ट ऑफ इकर और नॉट बिंग अ पार्ट ऑफ इक्रा ठीक है आप आ सकते हो आई विल बी मेंटरिंग यू आई विल बी गाइडिंग यू एंड देन वी कैन टेक अ प्रोपोकॉल हमारे क्लियर गाइज सो थैंक यू सो मच जॉय एवरी वन